तो दम्मो भाइयों और बहनों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रतीत समुत्पाद के ऊपर की यह जो मालिका हमने पिछले 6 महीने से निभाई है, चलाई है, उसके सवाल जवाब के सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और विशेष करके हमारे जितने भी प्रवचनकार है उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत विशेष दिन है आज, इसका समारोह करने जा रहे हैं हम प्रतिज्ञ समुत्पाद की जो लेक्चर सीरीज है उसका। लेकिन आज हमारे संघ के जो संस्थापक हैं उर्गेन संगरक्षित जी, उनका स्मृति दिन भी है, तो यह एक संयोग है, बहुत बड़ा दिन है। तो और इस दिन को हम इस प्रकार से मनाने जा रहे हैं, यह भी बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। हमारे पास आज के इस कार्यक्रम के लिए करीब करीब 25 सवाल आए हुए हैं, और इन 25 सवालों को मैंने कोशिश किया है किया हूँ 21 सवालों में बांधने की। तो 21 सवाल भी काफी हो जाते हैं एक सेशन के लिए, और हर सवाल ऐसा है कि उसके ऊपर एक-एक प्रवचन दिया जा सकता है। और हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, हमारे प्रवचनकार हैं, वह इतने सक्षम हैं कि हर सवाल का बहुत विस्तार के साथ जवाब दे सकते हैं। तो हमारे सभी प्रवचनकार जो भाई बहन हैं उनको विनती भी करूंगा मैं कि 21 सवाल हो सके, इस तरह से हम उसके जवाब देने की कोशिश करें। मुझे पता है यह काफी कठिन काम होगा, लेकिन हम ये करना पड़ेगा हमें। हो सकता है कुछ सवाल रह भी जाए, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे सवाल पूरे हो सके। तो भाई और बहनों, इस सवाल जवाब के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और तो पहला जो सवाल है वह है धम्मचारी मैत्रीवीर नागार्जुन जी के लिए, और बहुत बेसिक सवाल है और मेरे ख्याल से वो सभी का सवाल हो सकता है। इस विषय के ऊपर ही वह सवाल है, और सवाल पूछा है सविता गोटे जी ने। सविता, आप हैं इस कार्यक्रम में? आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस सविता, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो मैं वो सवाल पढ़ता हूँ। मैत्रीवीर, सविता का सवाल है कि प्रतीत समुत्पाद क्या है? मैं संक्षिप्त में अभी इतना ही कह सकता हूं कि जीवन में हमेशा ही द्वंद्व होता है, सुख दुख, खुशी नाराजगी, जेनरोसिटी और सेल्फिशनेस यानी दान और स्वार्थ की भावना, अच्छा बुरा, ये सभी द्वंद्व से भरी हुई दुनिया है। उसी को ही संसार भी कहते हैं, निर्वाण और संसार का जो हम क्लासिफिकेशन या जो उसको जो फर्क करके देखते हैं, तो एक द्वंद्व से भरी हुई दुनिया है। और बहुत बार हम जीवन को अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो समझा है वही सही है, तो हमेशा ही हमारी कुछ दृष्टियां होती है जीवन को समझने के लिए, अपने
इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको समझने के लिए, अपने रिश्ते समझने के लिए और सत्यता को भी समझने के लिए हम अपनी दृष्टियां बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, दिट्ठियां बनाते हैं और उसी के आधार पर हम अपने निष्कर्ष निकालते रहते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं ऐसा हूँ या दुनिया ऐसी है या दुनिया वैसी है। तो कभी भी हमें एक उचित दृष्टिकोण, एक जिसे कहूंगा कि एक सम्यक दृष्टिकोण जिसे हम कह सकते हैं, वो पाना मुश्किल होता है। हम उस द्वंद्व में अभी भी हम सब लोग हैं, अभी भी हम उसमें जी रहे हैं। तो आप सब लोगों ने गाना सुना होगा, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं और कोई जाना नहीं। तो बहुत सारे जीवन में वह धर्म शास्त्री हो या धर्म संस्थापक हो, वो सब जीवन जीते हैं, लेकिन जहां तक बौद्ध धर्म दृष्टिकोण की बात है, बौद्ध लोग तो भी कम से कम ऐसा मानते हैं कि बुद्ध ने इस संसार को, इस दुनिया को उचित ढंग से समझा और उसका जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को सुस्पष्ट तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हमारे सामने रखा। और वो जो दृष्टिकोण बुद्ध ने पेश किया उसको हम कह सकते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का एक दृष्टिकोण। एक्चुअली प्रतीत्य समुत्पाद कोई दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। कम से कम वो एक पर्सपेक्टिव है, वो एक अपना आकलन है दुनिया को या मुझे समझने का, स्वयं को या औरों को, या फिर सत्यता को भी समझने का, जीवन को समझने का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल समझने का। ये एक दृष्टिकोण है और बुद्ध ने उसे आइसोलेशन मतलब अलग नहीं रखा है, इंटरकनेक्टेडनेस उसको परस्पर संबंधों में बुद्ध ने समझा है इस दृष्टिकोण को। तो वो शब्द में ही है, प्रति मतलब इन रिस्पॉन्स, एक प्रतिसाद देना, प्रति उसी रूट से वो आया है। सम मतलब जुड़ना, दो चीजों का होना या एक से अधिक चीजों का होना, सम इंग्लिश में भी SUM, सम का मतलब बेरिज ज्याला मराठी तापन मंतो, जोड़ना, एडिशन, सम टोटल, वो सम उसी रूट से आया हुआ है। और उत्पाद मतलब निर्माण होना। तो कुछ परिस्थितियां जब इकट्ठा आती है, उन परिस्थितियों के आधार पर एक नई परिस्थिति निर्माण होती है, वो उसका रिस्पॉन्स होता है, वो है प्रतीत्य सम उत्पाद। यह इंटरकनेक्टेडनेस है, यह इंटरकनेक्टेडनेस किसी चीज को आइसोलेशन में रखकर नहीं है, अलग रखकर नहीं है कि कोई इस दुनिया से अलग ऐसी कोई दुनिया है जहां कोई बसता है और जो दुनिया को चलाता है और फिर चीजें निर्माण होती है, ऐसा नहीं है। ये पूरे विश्व का, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं या कॉस्मोस हो, इस सब की जो उत्पत्ति है वो कंडीशनल है, किसी कार्य कारण भाव से है, कारण से, जो कार्य मतलब हुआ जो है उसका एक कारण है, कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं कि एक परिणाम है और उसका कुछ कारण है। यही संसार का नियम है, यही संसार की रेगुलरिटी है। पाली में एक और एक शब्द आता है नियमिता, मतलब रेगुलरिटी विद इन रियलिटीज, वो मेरे स्वयं के बारे में हो, मेरे स्व के बारे में हो, मेरे शरीर के बारे में हो, मेरे भावनाओं के बारे में हो, मेरे समुचय अस्तित्व के बारे में हो, या फिर दुनिया के एक्सटर्नल बाह्य जगत के अस्तित्व के बारे में, वो व्यक्तिनिष्ठ हो या वस्तुनिष्ठ हो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, वो कोई भी आइसोलेशन में या अपने आप में, अपने आप स्वयंभू निर्मित नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड है। एक परिस्थिति के आधार पर ही दूसरी परिस्थिति निर्माण हुई है, जैसे ये टॉक या जैसा ये शाम, आप सब लोगों ने मेहनत की, पोस्टर बनाए, विशिष्ट परिस्थिति आई और उस प्रकार से यह निर्माण हुआ। तो यह एक बात है। दूसरा पॉइंट में इसके बारे में यह बताऊंगा, यह डिवाइन प्रिंसिपल नहीं है, कोई दैविक तत्व नहीं है, ऊपर से आई हुई आकाशवाणी नहीं है, ना ही बुद्ध को कोई आकाशवाणी आई थी,
बुद्ध की यह प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष उनका अनुभव है कि ऐसी ही चीजें हैं, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, ये उनकी अनुभूति है। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से बुद्ध ने इसको जाना, देखा, समझा। लेकिन जो प्रतित्य समुत्पाद इमस्मिंग सति इदम होती इमस्सा उपदा इदम उपजती, ये जो फॉर्मूला है ये उसकी अभिव्यक्ति है, वो उन्होंने बताया उस दृष्टिकोण से कि चीजें ऐसी है। अब उनके अनुभव को हम नहीं जान सकते, लेकिन कम से कम इस प्रिंसिपल के तहत, इस तत्व के तहत हम चीजों के परिणामों को, स्वरूप को, आकार को समझ सकते हैं, और उसी मायने पर हम अपनी भी दुख मुक्ति या प्रगति या समझ उसका इजाद कर सकते हैं, उसको अधिक गहराई से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ बिकमिंग नॉट बीइंग, बाबा साहब के शब्दों में बिकमिंग मतलब चीजें हो रही है, ये केवल अनित्यता ही नहीं है, ये प्रतित्य समुत्पाद के वजह से चीजें परिवर्तित हो रही है, नहीं तो फिक्स रहती, उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो यह प्रिंसिपल है होने का, बाबा साहब या भदंत आनंद कौशल्या ने बिल्कुल उचित ट्रांसलेशन किया, वह है नहीं, वह हो रहा है, तो वहां पे कोई ऐसी स्थित फिक्स चीजें है नहीं, वह हो रही है, और क्यों हो रही है, प्रतित्य समुत्पाद के तत्व के आधार पर ही हो रही है वो परिस्थितियां, इसलिए वह हो रही है। आप मुझे सुन पा रहे हो क्योंकि आपका इंटरनेट चल रहा है, आपका माइक ऑन है, आपका कैमरा ऑन है, ये परिस्थिति है, चीजें हो रही है, वह है नहीं, उनको निर्माण करना पड़ता है, और उसके लिए एक कार्य कारण लगता है, उसके लिए कुछ कॉज लगता है, यह उसका कारण है। तो इस प्रकार से अगर चीजें कार्य कारण भाव से विपरीत अगर होती तो चीजें अस्तित्व में नहीं रह सकती। और चूंकि चीजें कार्य कारण भाव की वजह से, प्रतित्य समुत्पाद की वजह से है, उनका अस्तित्व कैसा है, औपचारिक है, नागार्जुन के शब्दों में द एग्जिस्टेंस इज कन्वेंशनल, जो अस्तित्व है वह औपचारिक है, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, बनते थे आज नहीं है, बाबा साहब थे आज नहीं है, इसलिए चीजों का जो एक अस्तित्व है वह कन्वेंशनल है, वो चिरकाल या इटर्नल या सुपर नेचुरल या ओमनी प्रोजेंस, हर जगह सर्वमान जो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए चीजों का अस्तित्व क्या है, टेम्पोरल है, समय तक ही है, इसलिए अपना जीवन भी किसी समय तक है। लेकिन अगर कार्यकार, अगर हमने उचित दिशा से वो प्रयास किए, तो इसी प्रिंसिपल के तहत, इसी तत्व के तहत हम अपने आप को बेहतर भी बना सकते हैं, इसलिए हम फिक्स नहीं है, हम उत्क्रांति कर सकते हैं, यह प्रतित्य समुत्पाद है। अब इसका फॉर्मूला आप सब लोगों को पता ही है कि मैं उस फॉर्मूले को रिपीट नहीं करूंगा, मैंने फर्स्ट टॉक में उसको डिटेल में बताया, प्लीज उसको सुनिए। और अंततः यही है कि प्रतित्य समुत्पाद एक मध्यम दृष्टिकोण है, यह समझना बहुत जरूरी है, एक्सट्रीम नहीं है कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होना, ऐसा बोलना अप्रतित्य समुत्पाद है, एंटी प्रतित्य समुत्पाद है। तो सत्यता के दृष्टिकोण को एक सम्यक दृष्टि से, उचित दृष्टिकोण से समझना कि चीजें परस्परावलंबी है, इंटरकनेक्टेड है, स्वयंभू नहीं है, इटर्नल नहीं है, बदलने वाली है, और उसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों के आधार पर ही वह निर्माण होती है, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होती है, इसे समझना, डिवाइन नहीं है, यह प्रतित्य समुत्पाद है। मैंने शब्द के दृष्टिकोण से भी बताया, और मैंने उसका थोड़ा सा इन्हें एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बताई, और वो जो एक्सप्रेस किया, जो अनुभूति एक्सप्रेस की बुद्ध ने, वो प्रतित्य समुत्पाद के तत्व के तहत की है, और ये समुचय बौद्ध धम्म का यानी रीढ़ की हड्डी है,
ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर बौद्ध धर्म नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति इस तत्व को नहीं मानता, वो बौद्ध विचार या बौद्ध बुद्ध की दृष्टि को नहीं समझा है, ऐसा ही उसका अर्थ होगा। ये प्रतीत्य समुत्पाद है। थैंक यू वेरी मच मैत्रीवीर नागार्जुन, आपका बहुत सहकार्य मिला है, मिलता रहा है हमें, और आपकी जो मित्रता है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और उस मित्रता के कारण आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है आप करते रहते हैं, और आपके लिए सवाल भी बहुत है और भी है मैत्रीवीर, तो मैं फिर से आऊंगा आपके तरफ। तो भाई और बहनों, दूसरा जो सवाल है विवेक रत्न जी के लिए है। तो एक पहला सवाल था कि इट इज अंडरस्टूड दैट देयर आर 27 बुद्धाज बिफोर सिद्धार्थ गौतम बिकेम बुद्धा, सो सिद्धार्थ गौतम प्लस 27 बिकम्स 28, सो देयर इज बट देयर इज नो मेंशन अबाउट द टीचिंग्स ऑफ दीज बुद्धाज except Siddhartha Gautam started teaching when he became Buddha. So what made the Siddhartha Gautam Buddha to start his teaching to common men, common people? मेरे ख्याल से सेकंड सवाल भी आप बोल दीजिए। हाँ, सेकंड सवाल भी है, इसी के साथ वो भी क्लब कर सकते हैं। हाँ, that there is no mention of any birth of Buddha in foreign land. All the Buddhas are born in Indian soil only. So what must be the reason? और निश्चित रूप से दोनों सवाल जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 27 बौद्ध है और बुद्ध हो गए हैं, और फिर वो भारत की भूमि पर ही बुद्ध क्यों हुए हैं, अन्य जगह पर क्यों नहीं हुए हैं? अब मैंने जो जातक ग्रंथ पढ़ा था उनमें इन सभी 27 बुद्धों की नामावली है। यदि आपको उनके नाम पढ़ना है तो आप जातक ग्रंथ देख सकते हैं, उनमें सभी 27 बुद्धों की नामावली है। अब वास्तव में ये हुए या नहीं हुए, जैसा हमें सिद्धार्थ बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जैसा ऐतिहासिक तथ्य मिलता है, और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सम्राट अशोक के कारण जो उन्होंने मेहनत की, जहां जहां भी मतलब लगभग 200 साल बाद जहां जहां भी बुद्ध से संबंधित बातें रही है वहां उन्होंने अपने शिलाएं रखी, उनके ऊपर कुछ खुदाई की, कहीं पिलर बनाए, कहीं शिलाएं रखी, तरह तरह से। सो आज हमें जो ऐतिहासिक तौर पर सिद्धार्थ गौतम हुए है वह केवल सम्राट अशोक की कृपा है जिससे हम वो ऐतिहासिक बता पाते हैं, नहीं तो उसको भी हम काल्पनिक ही समझते। तो उसी तरह से इन सारे बुद्धों का ऐतिहासिक तथ्य हमें पता नहीं है, ये सबसे पहले मान्य करना पड़ेगा। दूसरा, जो बौद्धों की कॉस्मोलॉजी है, बौद्धों का विश्व जो है, वह इस विश्व ये कहलाता है या यह जानकारी देता है कि ये कई कल्पों के बाद बुद्ध होते हैं। अब कल्पों का मतलब इतना प्रकाश वर्ष होता है, कहना आजकल तो हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, लेकिन यदि आप पाली ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बुद्ध ने ही कल्पों की जब बात कही तो कोई इसका बिल्कुल मुलायम कपड़ा ले, सिल्क का, और उस सिल्क के कपड़े से किसी पर्वत के शिला को घसने लगे, एक तरफ से पर्वत को घसने लगे तो पूरा पर्वत घसने के लिए कितना लगेगा, उस तरह से वो युगों की बात और कल्पों की बात, इस तरह से सारी बातें है।
अब आप किस बारे में थोड़ी सी भी जानकारी, मतलब इंग्लिश में आप इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में पढ़ा है, तो मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप ये पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी का सर्वे पढ़ लीजिए, सर्वे ऑफ बुद्धिज्म, और इसके शुरू के ही चैप्टर्स में बुद्ध एंड बुद्धिज्म चैप्टर है, उसके शुरू में ही ये हिस्ट्री वर्सेस ट्रेडिशन, इसमें ये सारी बातें जो है कल्पो वगैरह की आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये रही बात कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जिस तरह से हम शक्यमुनि की बात करते हैं, उस तरह से भूतपूर्व बुद्धों की बात नहीं कर सकते। दूसरी एक बात है, अब हुआ या नहीं हुआ, पाली ग्रंथों में उसका वर्णन है, जातक ग्रंथ में उसका वर्णन है। जिस तरह से कमेंट तो ऐसी भी है, वो कमेंट ही है, हम उसको सही गलत अपने अपने तरीके से ले सकते हैं, कि जैसे तीर्थंकर महावीर हुए हैं तो वहां भी 24 हुए हैं, तो हमारे 24 क्यों, तो हमारे 27 हो, तो सिद्धार्थ गौतम ये 27वें बौद्ध है, बुद्ध है, उसके पहले 26 हुए हैं। इस बुद्धचर्या में एक सूक्त आया है, मुझे अभी दिखा नहीं, नहीं तो मैं दिखाता आपको, जो राहुल सांद्रोत्याय जी ने अनुवाद किया है, वहां सारिपुत्त और शाक्यमुनि का संवाद है। उस संवाद में सारिपुत्त पिछले बुद्धों की बात करते हैं, पिछले 6 बुद्धों की, विपस्सी, कोणागमन, इस तरह से वो 2 या 3-4 ही नाम, कुकुसंधु और कुछ भी ऐसे 3-4-5 नाम है, तो 5-6 नामों की ही बात करते हैं, और उसमें इतने साल तक रहा, उसमें उतने साल तक रहा, इस तरह से बातें होती है। और उस वक्त की जो जातक में लिखा हुआ है, उस वक्त लोगों का आयुमान 80 वर्ष का नहीं था या 100 वर्ष का नहीं था, शाक्य मुनि बुद्ध 80 साल ही जिए हैं, लेकिन उसके पहले के बुद्ध हजारों वर्षों तक जिए हैं, ऐसा भी उल्लेख है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये पहली बात है कि पहले 27 बुद्ध हुए है या नहीं हुए, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जैसे हम कहे कि जैन तीर्थंकर महावीर जो अभी महावीर हुए वो 24वें थे, शाक्य मुनि बुद्ध 27वें बुद्ध थे, तो इन दोनों में स्पर्धा भी चलती रही है। और जो इतिहास है, आज का जो प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है, वो इतिहास ही बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से भी मिलाकर आगे लिखा हुआ है या आगे समझा गया है, आगे जाना गया है। तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है इसमें कि ये बुद्ध हुए या नहीं हुए, कितने कल्प है, कितने युग है, और एक कल्प में एक ही बुद्ध होता है या कई बुद्ध होते हैं, और जैसे अनेक बुद्ध होते हैं तो वो बुद्ध उस कल्प को क्या कहा जाता है, सारी हिस्ट्री आपको सर्वे ऑफ बुद्धिज्म में पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने पाली का निचोड़ निकालकर कुछ संक्षिप्त में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम ये हुए या नहीं हुए ये कहना मुश्किल है, उसका ऐतिहासिक प्रमाण देना मुश्किल है, ग्रंथों में है, हमारा विश्वास है, हमारी मान्यता है, श्रद्धा है तो मानो, नहीं है तो मत मानो, वेरी सिंपल। दूसरी बात, वो भारत में ही हुए है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि वो भारत में हुए है, भारत वर्ष में हुए है, ये कल्पों की बात है। अब हमारा जो ऐतिहासिक तथ्य है या जो भी आज विज्ञान ने ढूंढा है, वो कुछ वर्षों की बात करता है, कोई लाखों वर्षों की बात करता है, कोई और वर्षों की बात करता है, इस तरह से जो भी विज्ञान अभी ढूंढ रहा है, कहीं कुछ फॉसिल्स मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहे हैं, उस पर से अपना अंदाज लगाकर वर्ष गिन रहे हैं। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो भी बताया जा रहा है कि किस तरह से कितने वर्षों से ये हुआ है। सो अंतरिक्ष कितना बड़ा है और इस अंतरिक्ष में कहां कौन पैदा हो रहा है, कोई डोंट नो, हमें कुछ पता नहीं है,
तो इसलिए भारतवर्ष में वो सारे बुद्ध हुए या नहीं हुए ये कहना भी मुश्किल बात है। तो इस तरह से मेरा ये जवाब रहेगा। आपका समाधान है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, या अन्य लोग भी समाधानी होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी मेरी समझ है, जो भी मेरी जानकारी पढ़ाई है, उसके आधार पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो भारत में ही हुए है ऐसा नहीं कह सकते हैं। कल्पों की बात है, महाकल्पों की बात है, शून्य कल्प की बात है, और एक कल्प में दो या अधिक बुद्ध होते हैं तो उसको और कुछ अलग कल्प कहा जाता है, जब बुद्ध नहीं होते हैं उसको शून्य कल्प कहा जाता है। इस तरह से पाली ग्रंथों में सारे वर्णन आते हैं। एक तो आप जातक का ग्रंथ पढ़िए, जातक भी फाउसबोल और कावेल इनका यदि आपको मिलता है तो वो भी आपको इंग्लिश में मिलेगा, या तो फिर दुर्गा भागवत का मराठी पढ़ लीजिए, सिद्धार्थ जातक मूल ग्रंथ, या तो पाली में पढ़ लीजिए, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो उपलब्ध है उस उपलब्धता के आधार पर कह सकते हैं। सो ये दोनों सवाल इस तरह से हो सकते हैं कि जो बुद्ध है वो हमारे 27वें बुद्ध है, उनके पहले 26 बुद्ध हो गए हैं, और वो भारत में ही क्यों हुए हैं ये कहना ऐसा नहीं कह सकते। तो लाइक दैट, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल जीन रक्षित जी के लिए है। आकाश प्लीज जीन रक्षित जी को कोच बना दीजिए। और प्रभा मासूरकर जी है उपलब्ध यहाँ पर, मतलब उपस्थित है? हाँ हाँ, नाम रूप और उपादान इसमें क्या फर्क है? ठीक है, तो जय भीम सबको। तो मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नाम रूप का अर्थ है मन और शरीर, और बौद्ध धर्म में जैसे आप सब लोग जानते हैं उसको 5 स्कंदों में विभाजित किया जाता है, यानी रूप यानी काया, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, और ये प्रतीत्य समुपाद या भवचक्र में ये विपाक होता है। और उपादान का अर्थ है जो चिपक जाना, जैसे कि कुछ चीज है जो हमें सुखद वेदना देती है तो हम उसे पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, तो ये कर्म है, राइट, और जिसका भविष्य में विपाक होगा। तो अभी मुझे आशा है कि अभी इसके दोनों के अंतर आपको स्पष्ट हो गया है कि नाम रूप विपाक है और पिछले कर्मों का विपाक है, और जो उपादान है वो कर्म होता है। तो मैं यही रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा और कहना अच्छा होगा। और मुझे आपको याद दिलाना है कि आमतौर पे उपादान अनावश्यक सोच, जिसे पाली में प्रपंच कहते हैं, उससे बढ़ता है। और मेरे प्रवचन में मैंने चॉकलेट का उदाहरण दिया था, यदि आप सोचते रहते हैं कि चॉकलेट कितनी अच्छी है, मुझे चॉकलेट खानी है वगैरह, तो आपको चॉकलेट खाने की प्रति आसक्ति हो जाती है, और वह यही इसी को उपादान कहते हैं। तो ये प्रपंच या अनावश्यक सोच से उपादान बढ़ता जाता है। और अगर आप पाली वाङ्मय में देखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह में जब नाम स्कंद की बारे में बात करते हैं तो वो उपादान स्कंद ऐसे उसको बोलते हैं, स्कंद नहीं बोलते, वो उपादान स्कंद बोलते हैं। और ये क्यों, ये मेरे को लगता है ये इसलिए उपादान स्कंद के नाम देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपने स्कंदों से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे 5 स्कंदों के बारे में, यानी अपने शरीर और मन के बारे में हम सोचते रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है और ये मेरा स्वय है। तो वो हमारा पूरी आइडेंटिटी ये 5 स्कंदों में पकड़े हुए है, उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को या हमारे मन को कुछ कुछ नुकसान होने वाला है तो हम बहुत क्या बोलते हैं
परेशान हो जाते हैं, तो हमारी पूरी सोच इसके बारे में हर समय हम इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसीलिए तो अगर आप देखते हैं तो पाली वाङ्मय में प्रपंच का प्रपंच यानी क्या वो पूछते हैं, और उसका एक डेफिनेशन ऐसे भी दिया जाता है कि प्रपंच अपने स्कंदों के बारे में सोचना, इसी को प्रपंच बोलते हैं कि मेरे स्कंद पूर्व के पिछले जन्म कैसे थे या कुछ समय पहले कैसे थे और आगे जाके मेरे स्कंद कैसे रहेंगे, इसके बारे में बार बार सोचना, इसी को प्रपंच कहते हैं। और जैसे हम देखे कि प्रपंच से उपादान निर्माण होता है, तो अगर तो नाम रूप और उपादान ये अलग अलग चीजें होते हैं। नाम रूप विपाक है और उपादान कर्म है, लेकिन ये दोनों इतने व्यवहारिक तौर पे वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। नाम रूप के आधार पर हमें उपादान उत्पन्न करने की क्षमता है। अगर नाम रूप नहीं होता तो उपादान तैयार करने की क्षमता हमें नहीं होती, और ये उपादान उत्पन्न करने की क्षमता है, इसलिए हम नाम रूप के बारे में सोचते हैं। तो ये ऐसे दोनों रिलेटेड है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी क्या मुझे जो कहना था वो शायद आप तक पहुंचा होगा। अगर रितायुष को अच्छा लगे तो मैं, अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में एक बार बताऊं तो वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मीनिंग क्लियर होगा तो मैं नहीं रुकता हूं। थैंक यू प्रभा भाई एंड थैंक यू इंजन रक्षित जी, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल चंद्रशील जी के लिए है, और चंद्रशील जी ये सवाल आपके लिए ब्रह्मचारी क्षिति वज्र ने भेजा है। आध्यात्मिक जीवन में प्रीति का अनुभव जी। और सांसारिक जीवन में अप्रत्यक्ष माध्यम जैसे कला संगीत के माध्यम से तथा निसर्ग दर्शन से आने वाला अथवा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से कंपित करने वाला अनुभव प्रशब्दी में रूपांतरित हो सकता है, यह सवाल लिखा उन्होंने, हो सकता है क्या ऐसा उन्हें कहना है। धन्यवाद, सुना मैंने। उसके बाद के भी बता देता हूँ क्योंकि वो रिलेटेड है जी। इस तरह के अप्रत्यक्ष अनुभव आध्यात्मिक अनुभव से किन कसौटी पर भिन्न होते हैं? आगे वो कहते हैं, कई बार ऐसे रोमांचित प्रीति के अनुभव को शरीर एब्सॉर्ब करने में सक्षम नहीं होता है, और इस अनुभव को एब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने आप को ड्रग्स, चिल्लाहट या हिंसक कृति का सहारा लेने की संभावना रहती है जी। ऐसे अनियंत्रित शारीरिक अनुभव को प्रश्रब्धि में किस तरह स्थापित कर सकते हैं? धन्यवाद, थैंक यू बहुत धन्यवाद। मैं छोटा उत्तर दूंगा क्योंकि क्या बहुत लोग है ना आपको ये करने वाले। देखिए, जो पहला जो सवाल है उन्होंने पूछा है कि क्या उसको रूपांतरित कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो रूपांतरित नहीं होगा तो फिर वो क्या क्या लाभ है ना, क्या वो हो सकता है। हाँ, दूसरा जो सवाल है उन्होंने पूछा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है ना उसको क्या किन कसौटी पर, नहीं प्रत्यक्ष अनुभव जो है और अप्रत्यक्ष अनुभव है उसको कैसा देखा जाए ना, कौन सी उसकी कसौटी है। मुझे लगता है जो भी अनुभव होते हैं आपके कांटेक्ट होने से, नहीं क्या आपका कनेक्शन होने से हो सकता है। कभी कभी बाबा साहब आपने अगर देखा होगा, जब बाबा साहब का डेथ हो गया था उन्होंने बता दिया है कि भाई जहाँ बाबा साहब का डेथ होने के बाद में लोग कोई भी आदमी बात नहीं कर पाया क्योंकि अब बहुत भावनिक हो गए थे, वो देख नहीं पाए थे। वो
वो देख नहीं कर नहीं पा रहे थे, लेकिन बनते वही थे। उन्होंने देखा कि अगर मैं भी ऐसा हो जाता हूँ तो शायद मैं इनको कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस थी उनकी, उन्होंने देखा था कि क्या करना चाहिए, उन्होंने अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखा है और इसलिए उन्होंने वो कसौटी उसको ये कर सके, उसको मतलब उन्होंने अनुभव ले लिया हाँ वो रुक सकते हैं। और उन्होंने बंदे बाबा साहब का जो है पूरी तरह से बयान किया, लोगों को आश्वस्त कर दिया। इससे मतलब हो सकता है कि कसौटी है, अगर आप शांत हैं प्रैक्टिस करते हैं तो वो कसौटी आपको उसके तरफ आप जा सकते हैं, आप उसको अनुभव ले सकते हैं। अभी जो तीसरा सवाल है, बताते कि भाई ये जो चीज है एब्सॉर्ब क्यों नहीं हो सकता, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। मुझे लगता है बहुत लोगों की यह समस्या है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार, चित्रकार, क्या बोलते हो जो लिखने वाले हैं ना, वो लोग भी शराब पीते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जो एकाग्रता उनको गाना बोलने से या संगीत बजाने से या कुछ लिखने से या चित्र निकालने से मिलती है, वो एकाग्रता वो ज्यादा समय तक टिका नहीं सकते, इसलिए उनको कठिन जाता है। लगा भाई वो अनुभव जो था अभी मैं नहीं जी सकता हूँ, वो अनुभव बहुत कम समय का था, लेकिन अगर उसको एब्सॉर्ब करना है, जैसा कि मैत्रीवीर नागार्जुन ने बताया है कि भाई संसार का कोई निर्माण करता नहीं है, जैसा कि बाबा साहब ने बताया है कि भाई देखिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, उसमें बताने का प्रयास किया है कि सिद्धार्थ गौतम इस दुनिया में आए हमारे जैसे ही आए हैं, है ना, वे ना किसी अवतार थे, किसी भगवान के अवतार थे इसको मान लेना चाहिए, और ना किसी के पुत्र थे इसको भी समझ लेना चाहिए, और ना किसी के दूत थे इसको भी समझना चाहिए, और ना भी वो परमेश्वर थे। जैसा कि हम समझते हैं कि भाई हमारे जैसे ही उन्होंने जन्म लिया है, इसी संसार में आए, ऐतिहासिक थे, इसको मान लेना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये होता है अगर ये लोग सही में आचरण करते हैं, अगर इनको बुद्ध समझ में आ जाते हैं, समझ में आना हो सकता है, उस पर भाषण देना भी हो सकता है, लेकिन उसको आचरण में आके देखना चाहिए कि क्या सही में मैं जैसे बाबा साहब बोलते हैं मैं मार्गदाता समझता हूँ बुद्ध को, अगर वो समझते हैं कि भाई हाँ मार्गदाता है, अगर वो समझते हैं मैं मेरे कारण दुखी हूं, तो शायद उसका अनुभव आ जाता है कि हाँ मैं मेरे कारण दुखी हूँ, दूसरे के कारण दुखी नहीं हूँ। लेकिन ये भी चीज मैंने देखी है लोगों को मिलके, अब शिविर में जाके लोग ज्यादातर अपने दुख के लिए दूसरे को दोष देते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डॉक्टर भी ऐसा ही समझते हैं कि भाई ये उनके कारण मैं दुखी हूँ, ये गलत है। अगर आप अनुभव लेते हैं, अगर आप देखते हैं, तो आपको पता चलेगा आप अपने कारण ही दुखी है। उदाहरण के लिए अगर कोई भी आपको संपर्क होता है, कॉन्टैक्ट होता है, किसी ने आपको गाली दी है, तो हो सकता है आपको बहुत दुख हो गया, गुस्सा आ गया। अगर आप थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, भाई मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, अगर उसको अनुभव लेते हैं तो मुझे पता है वो गुस्सा चले जाएगा और फिर बाद में वो अपने वर्तमान में आ जाएगा और सही ढंग से उत्तर दे सकता है उसको। लेकिन होता क्या है, ये जो लोग है ये बुद्ध को, शाक्य मुनि को ऐतिहासिक पुरुष नहीं समझते हैं, और इसीलिए वो क्या बोलते हैं, ये मैं दुखी दूसरे के कारण हो गया हूं, इसलिए वो सहन नहीं कर पाते हैं, और इसलिए क्या करते हैं, वो शराब का सहारा लेते हैं, हिंसक वृत्ति का सहारा लेते हैं और चिल्लाहट उसमें आ जाती है। मुझे लगता है अगर ये बातें ख्याल में रखते हैं तो मुझे लगता है कि जो अनुभव आपको आते हैं कला का, संगीत का, किसी का भी, उसको अगर आप शांति से सुन सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, तो आप उस अनुभव को प्रसिद्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है।
ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आप बाकी लोग भी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, तो धन्यवाद, आपने सुना ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो पहला सवाल है कि भवचक्र दरअसल क्या है, और आपने इसी के ऊपर प्रवचन था आपका, और दूसरा है चक्षु के प्रकार और उनका महत्व क्या है। ठीक है, यस मंजू कुमार जी प्लीज। या थैंक यू रुताई जी। यस वेलकम। और सॉरी मैं आपके क्रम को थोड़ा आगे पीछे करना करने के लिए माफी चाहूंगा मैं। वेलकम वेलकम। और मुझे लगा कि जिस प्रकार से आपका सेशन था उसी प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेंगे, मतलब उसी सिक्वेंस में वेट ही कर रहा था, और मेरा कुछ लग रहा था कि मेरा क्लास मिस होने वाला है, तो बोला कि चलो उसके पहले मैं अपने प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जो प्रश्न जिन्होंने पूछा है उसका पहले मैं सबसे पहले साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे टॉक को फिर से थोड़ा संक्षिप्त में वो जानना चाहते हैं कि भवचक्र असल में क्या है और चक्षु के प्रकार और उसका महत्व क्या है। तो भवचक्र के बारे में हम काफी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, हमारे मित्र अभ्यास में हो या जेएफआर में हो अभी तक, तो भवचक्र मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए नया शब्द है, और इस प्रवचन की श्रृंखला में भी हमने भवचक्रों को अनेक शब्दों में हमने जाना है। लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा था कि सही में सवाल क्यों उनके मन में आया होगा, अगर मेरे मन में भी ये सवाल आता है तो मैं इसको जवाब कैसे ढूंढ पाऊंगा। तो उस अनुभव से मैं थोड़ी बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है कि उसमें आपको उसका जवाब मिल सकता है। तो भवचक्र सामान्यता या यथार्थ में एक ही शब्द के साथ जुड़ा हुआ है कि बार बार संसार में आने जाने का प्रवास या यात्रा ही भवचक्र है। अगर सीधे और सरल भाषा में अगर हमें या मुझे हम सबको समझना है, बार बार अभी कितने बार, उसका कोई ना आदि है ना अंत है, एंडलेस है, बिगिंगलेस है। तो उस अर्थ से असल में भवचक्रों को हम अपने व्यवहारिकता से देख सकते हैं। दूसरा मुझे चिंतन में ऐसा समझ में आया कि भवचक्र असल में भ्रम है, यथार्थ नहीं है, वो सिर्फ एक व्यवहारिक हमारी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, जिसे हम प्रपंच कह सकते हैं, उसी को हम संसार चक्र भी कहते हैं, भवचक्रों को ही हम संसार चक्र कहते हैं, और एक शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको भवसागर भी कहते हैं। और भवचक्रों को और एक शब्द से भी देखा जा सकता है कि प्रत्ययों से जो उत्पन्न मात्र है और कुछ नहीं है, उत्पन्न मात्र है। जैसे कि हमें बार बार समझाया जाता है कि अस्तित्व है नहीं, हो रहा है, अस्तित्व है नहीं कि हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, कारणों की श्रृंखला और परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो रहा है, यही भव है, और इसलिए उससे एक भ्रम निर्माण होता है, और उसी भ्रम का नाम है अज्ञान। अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि एक जादूगर कोई चीज बनाता है और हमें लगता है कि उसका बनाई हुई चीज हमें आकर्षित करती है, और उसके पास में जब हम जाते हैं तो वो वस्तु का ही अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन दिखने में हमें वो चीज दिखती है कि वो अस्तित्व में आई हुई है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी देखने की दृष्टि जो है वो एक हमारे जो चक्षु का एक मर्यादित अनुभव है, उस अनुभव से हम उस वस्तु को देख रहे हैं, समग्रता से नहीं, और इसलिए देखी हुई सभी चीजें हैं जिसे हम संसार कहते हैं, वो एक भ्रम निर्माण करती है, और भ्रम निर्माण करने का जो कारण जो खोज निकाला है, जैसे कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों को या नियमों को या सिद्धांत को खोजा है, वैसे ही बुद्ध ने पूरे इस संसार में आने वाला जो जीवन चक्र है, उनकी जो ज्ञान की जो दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है, जो बताया जाता है कि उन्होंने पूरे संसार को देखा कि कैसा वो उत्पन्न हो रहा है और कैसा उनका मृत्यु होके किस प्रकार से संसार चक्र में लोग फंसे हुए हैं,
तो पहला व्यक्ति है जिसे हम बुद्ध कहते हैं कि जिन्होंने भव चक्रों को अपनी खुली प्रज्ञा की आंखों से देखा है, न कि हमारी इस आंखों से। इस आंखों से जब हम देखते हैं तो एक भ्रम निर्माण होते हुए हमें हमारा संसार दिखाई देता है, और बुद्ध ने उस संसार को यथार्थ में देखा है। जिस यथार्थ की बात बुद्ध कहते हैं, ये जो उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे हमारा जो कारण जो है वो हमारी स्व की आसक्ति और अज्ञान है। कारण के साथ बुद्ध भव चक्र को या संसार चक्रों को हमें बताते हैं कि ये चक्र, जिस प्रकार से अभी चंद्रशील जी ने कहा है कि हम जो भव चक्र में फंसे हुए हैं, हमने स्वयं ने निर्माण किया है। जैसे कि मकड़ी है, अपने जाल को स्वयं निर्माण करती है और स्वयं ही फंस जाती है। तो ऐसा ही है कि हमने ही खुद इच्छा निर्माण की है कि मुझे लड़का होनी है, लड़का होना है, और उसी इच्छा के कारण हम हमारा जीवन, हमारा जो जेंडर है या हमारा इस मनुष्य जीवन में अस्तित्व जो है, हमारे ही आसक्ति के कारण हमने लिया हुआ है। और यहाँ पे हमें यह भी देखना चाहिए कि सही में अगर अस्तित्व का जो सत्य दर्शन जो हमें भव चक्र में बुद्ध ने दिखाया है, बुद्ध एक जगह पे ऐसा भी कहते हैं कि सभी मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे बुद्ध यह भी कहते हैं कि वही इंसान बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते कि जिसकी चाहत है। आनंद और बुद्ध का संवाद हमें इसका हमें संकेत देता है कि भव चक्र सही में क्या है और भव चक्र में से कौन बाहर आ सकता है। भव चक्र में से वही बाहर आ सकता है कि जो भव चक्र से बाहर आने की चाहत रखता है या वो अपने मन में वो निर्धार करता है। तो इस तरह से हम भवचक्रों को समझने का ही अर्थ है कि हमारे अज्ञान को समझना, और अज्ञान को समझने का ही अर्थ है हमारी प्रज्ञा का विकास करना, जिसके अंदर बार बार हमें प्रतित्य समुत्पाद है, चार आर्य सत्य है, तीन लक्षण है, या हमारे कर्म का जो उसका परिणाम जो देख के हमें अपने जीवन को कुशल कार्य की तरफ ले जाना है, ये सभी असल में भवचक्र समझने के लिए हमें मदद हो सकता है। अंतिमता मैं इतनी ही बात करूंगा इस प्रश्न के उत्तर में कि संसार दुख नहीं है, संसार दुख नहीं है, बल्कि संसार की आसक्ति दुख है। संसार स्वयं में दुख नहीं है, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वह दुख है। और ऐसा देखना, समझना और आचरण करना, यही असल में भव चक्र है। भव चक्र असल में क्या है? तो असल में यही है कि वो नहीं है। अरे नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनता है? जब वहां पे कारण नहीं है तो बनेगा नहीं, अगर कारण है तो वो बनेगा। तो दोनों दृष्टिकोण से जब हम संसार को देखते हैं, और ये चीजें हमें कहीं ना कहीं रोज के जीवन में भी अगर हम चिंतन करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है कि चीज है लेकिन दूसरे क्षण में नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आप खाना खा रहे, रोटी है लेकिन दूसरे कुछ समय के अंदर रोटी वहां पे नहीं होती है, पेट में भी नहीं होती है, पेट में और कुछ बन जाता है। तो ये कह तो ये भ्रमित हुआ ना, जिसको हम रोटी कहते थे, अभी हम रोटी कुछ नहीं कह सकते कि वो अंदर क्या हो गया है उसका। तो हर एक वस्तु ऐसे ही संसार को हम देख सकते हैं अगर हम हर जगह पे चिंतन करें। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न का पर्याप्त उत्तर है। और चक्षु के बारे में मैं और बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन जैसे कि रिताइश ने कहा है कि हर एक प्रश्न पे एक प्रवचन बन सकता है, और ये विषय मेरे लिए भी काफी, जब मैं मित्र था तब इस विषय को मैं पढ़ा था और काफी प्रभावित भी हुआ था इस किताब को पढ़ने के बाद में, जिसमें पांच चक्षुओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इसका वर्णन किया है। अगर आपके पास में जो ताइवान की बुक्स जो आते हैं उसके अंदर फाइव आइज करके एक बुक भी शायद आप लोगों के हाथ में आया होगा, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसका विस्तृत वैज्ञानिक आधार पे कि मॉडर्न साइंस भी किस प्रकार से अलग अलग
टेक्नोलॉजी से अलग अलग यंत्र के माध्यम से अपने चक्षु को या देखने की दृष्टिकोण कैसे वो बदल रहा है, जो बुद्ध ने ही अपने धम्म में या अपने अनुभव में इन सभी चक्षुओं के बारे में बुद्ध अपने जीवन में बात करते हैं। तो इसका जो वर्णन जो मिलता है, नागार्जुन का लिखा हुआ जो ग्रंथ है धर्म संग्रह, इसमें पांचों चक्षुओं का वर्णन हमें मिलता है। तो अर्थ में अगर हम बात करते कि चक्षु क्या है, चक्षु मतलब देखना, जानना, समझना। देखना मतलब चक्षु, देखने से हम चीज को जानते हैं मतलब चक्षु, और उसे से कुछ समझदारी बनती कि मैंने यह देखा है। लेकिन साथ साथ में बुद्ध धर्म में चक्षु का अर्थ और एक होता है, वो है मुक्ति का दर्शन या विमुक्ति का दर्शन। और उसी प्रकार से इस चक्षु के हमें पांच प्रकार दिखाई देते हैं कि जो मैं उसको चिंतन करते हुए समझ रहा था, ये पांच चक्षु एक प्रकार की हमारी चेतना की उच्च अवस्थाएं हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, हम लौकिक अवस्था से लेके लोकोत्तर अवस्था तक जाने का एक प्रवास है जो हमें बुद्ध के स्वयं के जीवन में दिखाई देता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे पहला व्यक्ति अगर हम देखें, मनुष्य देखें कि जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, और हम अपने पूरे बौद्ध आंदोलन में जब से बुद्ध की शिक्षा लोगों ने अनुसरण की है, अरहंत हुए हैं और उसके बाद में बोधिसत्व हुए और आज हम भी उसी कतार में हम आगे जा रहे हैं संघ के माध्यम से, तो हम भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी इन्हीं चक्षुओं का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो चक्षु जो है वह उसे मांस चक्षु कहते हैं। मांस चक्षु का सीधा अर्थ है शारीरिक इंद्रिय, जो हमारी पांच छह इंद्रियों में से शारीरिक इंद्रिय जो है जिसे हम चक्षु कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये चक्षु का अनुभव है, मर्यादित है, डिपेंड है आपके लाइट पे, डिपेंड है, लाइट है तभी चीजों को आप देख सकते हैं और वस्तु को आप मर्यादित देख सकते हैं, और उसी से हमारे मर्यादित दृष्टिकोण भी बनते हैं। जैसे कि नागार्जुन ने हमें बताया कि हमारे मर्यादित दृष्टिकोण ही हमें भव चक्र में या अज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। तो अभी आप देखें कि जब हमें पूरा दर्शन ही नहीं होता हो किसी वस्तुओं का, मतलब जब से हमने आंखें खोली होगी मनुष्यों ने और संसार को देखा होगा, जैसे कि आज तो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के माध्यम से हम पूरा दर्शन देख सकते हैं वैज्ञानिक के माध्यम से, लेकिन उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो जो भी हमने आंखों से देखा है और अभी भी हम आंखों से देख रहे हैं उसी को ही हम सत्य मानते हैं 100%। अक्सर सामान्य तौर पे या सामान्य अगर हम चेतना की बात करते हैं, एक मनुष्य जीवन में हमारा जो जन्म होना, ये पांच छह इंद्रियों के साथ में उसमें चर्म चक्षु हमें प्राप्त हुआ है कि जो मर्यादित दर्शन देता है। दूसरा जो चक्षु जो है जिसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं, इस चक्षु का आधा है ध्यान की एकाग्रता या मन की शुद्धता। जैसे कि बुद्ध ने बुद्धत्व के ज्ञान के ज्ञान के प्रकार में ही उन्होंने दिव्य चक्षु को प्राप्त किया था, और ऐसे बहुत सारे हमें बौद्ध भिक्षु दिखाई देते हैं कि जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी या दिव्य चक्षु को वो प्राप्त थे। अनिरुद्ध का भी एक उदाहरण मिलता है कि वो दिव्य चक्षु में पारंगत थे। तो ये दिव्य चक्षु क्या करता है कि अंधेरे में भी चीजों को देख सकता है और काफी दूर की चीजें देख सकता है और जीवन का जन्म मृत्यु को भी देख सकता है। अनिरुद्ध के प्रसंग में ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में, कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था और उनकी चेतना की अवस्था को दिव्य चक्षु से अनिरुद्ध देख रहे थे और उसका अवलोकन करके लोगों को बता रहे थे कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे हो रहा है। तीसरा जो चक्षु है वो प्रज्ञा चक्षु है। इस प्रकार के आधार पर प्रज्ञा चक्षु उनका बताया जाता है कि जो अरहंत होते हैं, कि जो बुद्ध के शब्द को सुनकर या आचरण करके, और जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं जो स्वयं के प्रयत्न से जो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, जिसे हम एक प्रकार की जो सत्यता का जो दर्शन जो है या शून्यता का दर्शन है, उस अर्थ से प्रज्ञा चक्षु को बताया जाता है। चौथा चक्षु है धर्म चक्षु। धर्म चक्षु का आधार है बोधि सत्व का आचरण या बोधि सत्व का अनुभव है, जो शून्यता का अनुभव करने के बाद में फिर से वो संसार में करुणा के लिए लोगों को मदद करने के लिए वापस आता है।
तो वो एक प्रकार का धर्म चक्षु है कि जो हमें अपने जीवन में हम संसार में देख सकते हैं कि जो बोधिसत्व होते हैं। और पांचवा जो चक्षु जो है जिसे बुद्ध चक्षु कहते हैं, जो सम्यक संबुद्ध जिसे कहते हैं, और जिसके पास ये चारों प्रकार के चक्षु होते हैं, चर्म चक्षु भी होता है, दिव्य चक्षु भी होता है, प्रज्ञा चक्षु भी होता है और धर्म चक्षु भी होता है, उसी को चारों चक्षुओं को देखने वाला, चारों चक्षुओं से देखने वाला जो व्यक्ति है या बुद्ध है वही बुद्ध चक्षु है, जहाँ पे वस्तुओं को वो ऐसे देखते हैं कि उसमें कुछ भी भेद नहीं होता है। आप पर भेद से जो उच्च अवस्था है जिसे हम नॉन ड्यूअलिटी कहते हैं और अद्वैत कहते हैं या संपूर्णता समग्रता कहते हैं, सत्य का समग्र दर्शन, समग्र अनुभव, उस अनुभव से हम बुद्ध चक्षु को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात प्रश्न से जो उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है, तो जिसने भी प्रश्न पूछा है और बाकी सभी लोगों के लिए भी ये जानकारी मुझे लगता है कि उपयोगी हुई होगी। थैंक यू, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच मंजू कुमार जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भवचक्र और चक्षुओं के चक्षुओं का विवेचन किया है। तो और अगला सवाल भाइयों बहनों मैं अभय दाना जी के लिए है। पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है क्या? और मेरा दूसरा सवाल है, ध्यान साधना क्यों जरूरी है? वैसे देखा जाए तो बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही क्या बोलते हैं जटिल ऐसा सवाल आपने मुझे पूछा है। हमेशा मतलब ये जो सवाल है मुझे थोड़ा सा कठिन ही लगता है, लेकिन मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो वैसे देखा जाए तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं कहूंगी कि मुझे नहीं पता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा इसके बारे में कोई भी खुद का अनुभव नहीं है। लेकिन एक बौद्ध होने के नाते मेरी बुद्ध पर श्रद्धा है, विश्वास है, और उनकी जो शिक्षाएं है उस पर मेरी श्रद्धा है और विश्वास है। तो बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद की जो शिक्षा है, 12 निदानों की जो शिक्षा है, वो हमें बताती है कि किस तरह मनुष्य एक जन्म से दूसरे जन्म में अपने कर्म विपाक के अनुसार घूमते रहता है। तो शाश्वतवादी दृष्टिकोण रखने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है कि आत्मा अमर है और भगवान उसका नियंत्रक है या ईश्वर उसका नियंत्रण करने वाला है। और उच्छेदवादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर और आत्मा इनके अस्तित्व का स्वीकार नहीं करता है और मृत्यु के साथ ही सब कुछ नष्ट होता है, ऐसा उच्छेदवादी दृष्टिकोण रखने वाला जो व्यक्ति है उसको लगता है। और पुण्य और पाप कर्म का भी कुछ परिणाम नहीं है, पुण्य और पाप कर्म ही नहीं है और उसका परिणाम भी नहीं है, इसलिए खाओ पियो और मजा करो, इस तरह का जीवन उनका होता है। और बुद्ध का मध्यम मार्ग सिखाता है कि जीवन शाश्वत नहीं है और जीवन का उच्छेद भी नहीं होता है, जीवन निरंतर बदलने वाली और विकसित होने वाली प्रक्रिया है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं जीवन अनित्य है और यह भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है। संस्कारित अस्तित्व अनित्य है, इसलिए सामान्य मनुष्य का असामान्य मनुष्य में परिवर्तन हो सकता है, रूपांतर हो सकता है, प्रबुद्ध मानव का निर्माण हो सकता है। यह बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, प्रतीत समुत्पाद की जो शिक्षा है वो हमें सिखाती है। और भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि पुनर्जन्म किस चीज का। तो इस शीर्षक के अंदर बाबा साहब लिखते हैं कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, और उसमें उत्तर लिखते हैं कि इसका उत्तर हाँ ऐसा है। तो ये जो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म में जो बातें आई है कि पुनर्जन्म किस चीज का और किस व्यक्ति का,
तो इसके बारे में डिटेल में बाबा साहब ने लिखा है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी श्रद्धा है इस चीज पर कि पुनर्जन्म होता है, तो हमारे कर्म के लिए, हमारे कुशल कर्म के लिए उसकी मदद होती है, या फिर एक जिस प्रकार का हमारा एक सर्वसामान्य व्यक्ति करके जीवन है, उससे भी उसके परे का जो जीवन है, बुद्धत्व है या ऊंचा जो जीवन है, वो जीवन प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास नहीं है या हमारी श्रद्धा पुनर्जन्म के ऊपर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उलझना नहीं चाहिए, या इस चीज में हमने इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम इसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे बाबा साहब ने 1956 में धर्मांतर किया, और धर्मांतर करने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है। तो नया जन्म हुआ है इसलिए कि जो भी पुराना जन्म था, उसको हिंदू धर्म था, उसको बाबा साहब ने छोड़ दिया था, और बुद्ध धर्म जो है उसको अपनाया था, और तब बाबा साहब को लगा था कि यह मेरा नया जन्म है। तो अगर हमें नया जन्म चाहिए, पुनर्जन्म चाहिए, तो हम इसी जन्म में कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म का जो उद्देश्य है, या जो प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा है, उसका जो उद्देश्य है, वो पुनर्जन्म प्राप्त करना नहीं है, या अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त करना नहीं है। तो बुद्ध धर्म का उद्देश्य और प्रतीत्य समुत्पाद की जो शिक्षा है, उसका उद्देश्य है बुद्धत्व प्राप्त करना। और इसीलिए भंते उर्गेन संघरक्षित जी ने इस बात का आत्मविश्वास दिया है कि आप इसी जन्म में श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करते हैं बहुत अच्छे से, तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और स्वयं बुद्ध ने भी बताया है कि आपने अगर मेरे जैसे प्रयास किए, तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं, बोधि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इसमें फंसने के बजाय, इसमें उलझने की बजाय, ये जो जीवन मुझे मिला है, इसमें मैं कैसे नया जीवन प्राप्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो हमने हमारे जो जो कुछ भी संस्कार होंगे, जिस तरह के हमारा व्यवहार होगा, नकारात्मक आदतें होंगी, या नकारात्मकता भरी पड़ी होंगी हमारे अंदर, तो उसको परिवर्तन जब हम करते हैं, उसको छोड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, प्रवज्जित होना, मतलब पुराना जो है वो छोड़ना, जो भी अकुशल है, जो भी संस्कारिता है, या जो भी बातें हैं जो हमें बुद्धत्व तक बढ़ने के लिए बाधा पैदा करती है, उसको छोड़ना, यह नया जीवन है। और यह जो जीवन है, यह हमारे हाथ में है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो जो हमारे हाथ में है इस जन्म में, वो आगे का पता नहीं, लेकिन इस जन्म में जो मेरे हाथ में है, कि जो भी मेरी अंदर जो क्लेश है, जो भी नकारात्मकता है, उसको पीछे छोड़ना, उसको मारना, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो जब हम कुशल हमारे अंदर निर्माण करते हैं, सकारात्मकता को हम बढ़ावा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में, इसके लिए हमने इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे का जन्म है नहीं है, क्या है, कैसा है, लेकिन इस जन्म में हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में बुद्ध है, हमारे जीवन में बाबा साहब है, हमारे जीवन में भंते है, हमारे जीवन में बहुत अच्छा संघ है, और हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द हमारे जो दोस्त है, हमारे भाई बहने हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धम्म को सिखाने वाले लोग मौजूद है, और हमारे जैसे प्रैक्टिस करने के लिए या धम्म का आचरण करने वाले भी लोग हैं, तो इसका पूरा पूरा फायदा हमने उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी जन्म में हम अपना पुनर्जन्म जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ही बताऊंगी इसके बारे में।
और दूसरा कौन सा सवाल था आपका? ध्यान साधना क्यों जरूरी है? ध्यान साधना क्यों जरूरी है? तो हमें पता है कि ध्यान से बुद्ध जन्मे हैं, है ना? बुद्ध ने ध्यान किया था, इसलिए सिद्धार्थ ने ध्यान किया था और इसीलिए उससे बुद्ध का जन्म हुआ है। अगर हमारे जीवन में उद्देश्य श्रेष्ठ है, ऊंचा उद्देश्य है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा जीवन जीने का उद्देश्य ऊंचा है, श्रेष्ठ है, बुद्धत्व की प्राप्ति करना है, तो या फिर एक व्यक्ति के रूप में खुद को विकसित करना है, तो हमें ध्यान की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि शरीर को जैसे खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को ध्यान की जरूरत होती है हमारे मन के विकास के लिए। मतलब मानव करके तो हम उत्क्रांत हो रहे हैं, मतलब सर्वसामान्य मानव से, जो भी सर्वसामान्य मानव करके जीवन जी रहे हैं, तो वो तो उत्क्रांत हम हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धत्व की दिशा में जाने के लिए या एक प्रकार से बोधि की प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक ऊंचा जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में कुछ अच्छा उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं कि हम सभी लोग संसार में जीवन जीते हैं और ये जो संसार है वो अनित्य है और अनात्म है और इसलिए दुखमय है, उसमें दुख है। और इसीलिए हम जब संसार में जीवन जी रहे हैं, दुखों का सामना होता ही रहता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आता है, भले ही हम क्या बोलते हैं, अपने क्षमता के अनुसार उसको फेस करते हैं या उसके उससे बाहर निकलने की कोशिश करते होंगे, लेकिन दुख तो आता ही है, वो छोटा दुख हो या बड़ा दुख हो। तो कई सारे दुखों के साथ हम जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम बौद्ध करके जीवन जी रहे हैं, एक बौद्ध करके हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जो वर्तमान जीवन का दुख है, चालू जीवन का जो दुख है, उसको नष्ट करें और भविष्य में दुख ना आए, इसके लिए प्रयासरत रहे, उसके लिए प्रयास करें और बुद्धत्व की प्राप्ति हो, यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपने मिलिंद प्रश्नों को पढ़ा है तो भंते नागसेन को राजा मिलिंद प्रश्न पूछते हैं कि भंते नागसेन आपका प्रवज्जित होने का क्या उद्देश्य है, तो भंते नागसेन जवाब देते हैं कि वर्तमान जीवन के दुख नष्ट हो और भविष्य में दुख ना आए, इसके लिए मैं प्रवज्जित हुआ हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य है बुद्धत्व की प्राप्ति करना। हमारे जीवन का भी उद्देश्य यही होना चाहिए। और बौद्ध करके अगर हम जीवन जीते हैं तो हमने खुश होना चाहिए, हमने सुखी होना चाहिए और हमने आनंदी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सही में हम बौद्ध ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम हमारे जो दुख है, हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, जो हमें दुख देती है, वो जो बातें हमारे अंदर है, उसको अगर हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसका अगर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो हम बौद्ध नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके ऊपर काम करने के लिए, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए, जो भी नकारात्मकता है उसको नष्ट करने के लिए और सकारात्मकता का हमारे अंदर विकास करने के लिए हमें ध्यान साधना जरूरी है। एकरूपता प्राप्त करने के लिए हमारे जो स्व है, जो बिखरे हुए स्व है, कई जगह पे हमारा जो स्व है वो बिखरे हुए है, उसको इकट्ठा लाने के लिए हमें ध्यान की जरूरत है। तो हमारा जो अजागृत मन है उसको जागृत करने के लिए और बिखरे हुए स्व को इकट्ठा करके जब एकरूपता एकाग्रता हम प्राप्त करते हैं, तभी हम ध्येय की तरफ बढ़ सकते हैं। जो भी अपना ध्येय होगा, जो भी आपने उच्च आपका जो श्रेष्ठ आध्यात्मिक ध्येय डिसाइड किया होगा, उसके तरफ बढ़ने के लिए एकरूपता की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे ही सकारात्मक भावना का विकास करने के लिए हम ध्यान करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो मन है नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है,
बहुत सारे क्लेशों से भरा हुआ है। और अगर मानो अगर हमारा मन बहुत ही नकारात्मक है तो ऐसा जो धुंधला मन है वो सत्य को नहीं देख सकता। ये जो बातें है मैं एक रूपक बता के कहना चाहूंगी कि एक तालाब है और तालाब में जो पानी है उसमें अगर हम कंकर फेंकते हैं या कुछ पत्थर फेंकते हैं तो पानी में एक प्रकार से तरंगे उठती है। और तब अगर आप इस पानी में अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से खुद को नहीं देख सकते, आपका चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन वो पानी अगर शांत है, वो पानी अगर स्थिर है तो आप अपना चेहरा देख सकते हैं। हमारे बिखरे मन को जब हम इकट्ठा लाते हैं तब सारी शक्तियां है वो एक दिशा में हम लगा सकते हैं। वैसे अगर तालाब का पानी गंदा है तो पानी में खुद को नहीं देख सकते, वह पानी जो है पारदर्शी नहीं होता है, पानी जो है वो गंदा होता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो मिट्टी वो गंदगी अगर नीचे बैठ जाती है, तह पर जाकर बिल्कुल स्थिर हो जाती है, तब पानी पारदर्शक हो जाता है। और हमारा मन क्लेशों से नकारात्मक भावों से जैसे भरा हुआ है, हम देखते हैं कि बहुत कुछ हमारे अंदर जमा हुआ है, लेकिन जब हम उसको शांत कर देते हैं तो हम हमारे मन को तह तक, हमारे मन के तह तक देख सकते हैं। यह जो जब ऐसा एकरूप शुद्ध ऐसा मन होगा वही मन हमें आगे लेकर जा सकता है। और इसलिए इस मन को शांत करना, इस मन को संबोधि के लिए तैयार करना यह हमारा कार्य होता है और इसीलिए ध्यान की जरूरत है। एकरूपता को बढ़ाने के लिए, सकारात्मकता का विकास करने के लिए और बोधि की प्राप्ति के लिए, अंतर्दृष्टि की प्राप्ति करने के लिए। तो अगर हम यह नहीं करते, ये सारी बातें नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और संगम में इसके लिए अलग अलग ध्यान बताए हैं भंते ने, कुछ ध्यान बताए हैं, आनापानसति है, मैत्री भावना है और अलग अलग ध्यान है जिसके माध्यम से आप ये जो बातें है मतलब उसको हासिल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना पर्याप्त है। थैंक यू। थैंक यू उबैदाना, बहुत प्रभावी ढंग से आपने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। और कुमुद का भी धन्यवाद देता हूँ। और कुमुद का तीसरा और एक सवाल है। मेरा तीसरा सवाल है, नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यस, तो नकारात्मक विचार और जो भावनाएं हमारे अंदर होती है उसके प्रति सबसे पहले जागरूक रहने की जरूरत है। जैसे मैंने ध्यान, इसके लिए ध्यान की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं है तो इसके प्रति हम जागरूक नहीं रह सकते हैं। तो अगर हम जागरूक है, हमारी अंदर जो नकारात्मक विचार है और भावनाएं है उसके प्रति अगर हम जागरूक है तभी हम उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। और हमें पता है कि नकारात्मक जो बातें है हर दिन हर घंटे और कभी कभी तो हम कह सकते हैं कि हर क्षण हमसे टकराते हैं। जब हम कुछ लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ हम बातें करते हैं तब उनका हम पर एक प्रभाव होता है। और हम देखते हैं कि आज की जो दुनिया है बहुत लुभावनी है और आजकल हम बहुत सारे जो हमारे सामने बहुत सारे जो माध्यम है वो खुले हैं, लुभावने हैं, खुले हैं, जो हमें उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। और जब हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं तब एक प्रकार से हम कचरा जो है हमारे घर के अंदर लेकर आते हैं। तो मीडिया के माध्यम से कई सारी ऐसी बातों के संपर्क में हम आते हैं, फिर टीवी बोलो, इंटरनेट बोलो, व्हाट्सएप बोलो या न्यूज़पेपर बोलो, जो भी मीडिया का माध्यम है उसके माध्यम से हम बहुत सारी जो नकारात्मक बातें हैं उसके संपर्क में आते हैं। और
उसके बाद हमारे अंदर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, या वो जो बातें हैं जिसके संपर्क में हम आते हैं वो हमारे अंदर एक तरह से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और वो हमें विचलित करती है। तो ऐसी जो बातें हैं उसको हमने टालना चाहिए। बहुत बार हम इसके ऊपर ही लगे हुए रहते हैं, बहुत बार हम इसके सानिध्य में रहते हैं, और जब हमारे इंद्रिय के माध्यम से हम इनका सामना करते हैं, इसके संपर्क में आते हैं, तो हमारे जो इंद्रिय है वो हमारे मन के अंदर इन चीजों को मतलब लेकर आते हैं। तो हमने जो बोलते हैं ना कि हमारे जो दरवाजे है हमारे इंद्रियों के, उसके बाहर द्वारपाल रखने चाहिए, जागृति हमें होनी चाहिए कि कौन सी जो चीजें है वो मेरे काम की है और कौन सी चीजें मेरे काम की नहीं है, कौन सी चीजों को मैंने टालना चाहिए। तो ये अगर हम करते हैं तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम कार्य कर सकते हैं। नकारात्मक जो विचार है उसको हम वही रोक सकते हैं। और दूसरे एक बात हम कर सकते हैं कि परिणामों के बारे में जागरूक रहना। चंद्रशील जी ने इसके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो कही है कि अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, स्पर्धा है, या कुछ नकारात्मक बातें हैं, किसी चीज के बारे में तृष्णा है, किसी के बारे में बहुत ज्यादा आसक्ति है, हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा डर है, तो इसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में हमने सजग रहने की जरूरत है। हमने उस नकारात्मक भावना से खुद को बाहर निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई नकारात्मक भावना हमारे अंदर आती है, किसी व्यक्ति के वजह से हो या किसी भी कारण हो, तो जैसे चंद्रशील जी ने कहा कि हम दूसरों को दोष देते हैं, उसकी वजह से आए हैं ये, मेरे उसने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मुझे गुस्सा नहीं आया होता, उसने अगर मुझे जोर से मेरे साथ बात नहीं की होती तो मुझे द्वेष नहीं आया होता। तो पूरी तरह से हम क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर दोष डाल देते हैं और खुद के अंदर जो नकारात्मक निर्माण हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। तो जब तक हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मतलब बहुत बार मैं मेरे जीवन में भी मतलब ऐसा करती हूँ कि अगर किसी के बारे में बहुत ज्यादा द्वेष मेरे मन में आ रहा है तो मैं देखती हूँ कि ये जो द्वेष है मुझे क्या बुद्धत्व तक लेके जाने वाला है या बुद्धत्व से दूर रखने वाला है, और मैं देखती हूँ कि ये जो द्वेष है वो मेरे शरीर के लिए और मेरे मन के विकास के लिए बहुत हानिकारक है। मतलब अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा द्वेष है, किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या और स्पर्धा निर्माण हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और मैंने इसमें ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा हम इसमें रहते हैं, इन नकारात्मक भावना में जीते हैं या इन क्लेशों में जीते हैं, और उसी की वजह से हम देखते हैं कि कई सारी बीमारियां हमें होती है। बहुत बार अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि इसकी वजह से बीमारी है, उसकी वजह से बीमारी है, लेकिन बहुत सारी जो पैथी है वो हमें बताती है कि हमारी बीमारियों का जो कारण है वो ज्यादा से ज्यादा हमारा मन है। तो हमारा मन अगर बहुत ज्यादा नकारात्मक है, क्लेशों से भरा हुआ है, तो उसका परिणाम हमारे मन पर तो होता ही है लेकिन हमारे शरीर पर भी होता है। और इसलिए हमने सजग रहना चाहिए कि अगर मुझे द्वेष आया है तो ये जो द्वेष है इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, इसके परिणाम मेरे शरीर पर होने वाले हैं, इसके परिणाम मेरे मन पर होने वाले हैं, और जो मैंने मेरा उचित ध्येय क्या बोलते हैं एक डिसाइड किया है, बुद्धत्व की प्राप्ति करना या श्रोतापन्न बनना या ऊंचा आध्यात्मिक विकास करना, तो उस ध्येय तक मैं नहीं पहुंच सकती या मैं नहीं पहुंच सकता, इसके बारे में हमने सजग रहना चाहिए। परिणाम के बारे में हमने सजग रहना चाहिए। और एक बात हम कर सकते हैं कि उसका रूपांतरण हमने करना आना चाहिए। अगर हमारे अंदर द्वेष है तो करुणा में उसको कैसे परिवर्तित करें या मैत्री में उसको कैसे परिवर्तित करें, अगर ये हम कर सकते हैं तो सही में बहुत आगे
हम जा सकते हैं या बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने कुछ कह दिया वो उसके कर्म है, उसका क्या परिणाम होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर हमने छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो निर्माण हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अगर हम लेते हैं तो हम हमारे हमारा जो ध्येय है उस तक पहुंच सकते हैं, और उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद ही हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, तभी हम उसको जो सकारात्मकता है कुशलता है उसमें क्या बोलते परिवर्तित कर सकते हैं। और बुद्ध की जो शिक्षा है, कुशल कर्म अगर हम करते हैं उसका परिणाम कुशल होता है, और अगर अकुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी अकुशल होता है, और वो जो परिणाम है वो हमें ही भुगतने पड़ते हैं। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं कि नकारात्मक भावना के प्रति सजग रहना, वो जो भावनाएं हैं हमारे अंदर जो निर्माण हुई है उसकी जिम्मेदारी लेना और उसके ऊपर काम करना, यह हमें बोधि की तरफ लेकर नहीं जाने वाली है, मुझे बोधि से दूर लेकर जाने वाली है, इसके बारे में सजग रहना और सकारात्मक भावना में उसका परिवर्तित करना, ये अगर बातें हम करते हैं तो नकारात्मक जो भी भावनाएं हैं या जो भी हमारे विचार है उससे बाहर निकलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें मदद मिल सकती है। थैंक यू अभयदाना जी एंड थैंक यू वेरी मच कुमुद। अभयदाना जी बहुत ही व्यवहारिक रूप से आपने इन सारे सवालों के जवाब दिए, और आगे मैं नागकेतु जी को विनती करना चाहूँगा उनके लिए जो सवाल है, और वो सवाल भी डॉक्टर सुनील दहिवाली जी ने पूछे हैं। तो सुनील दहिवाली जी आपसे विनती है कि ये दोनों सवाल आप पूछ सकते हैं, और मुझे लगता है कि बाकी के सवाल मुश्किल जाएंगे, तो नागकेतु जी आप ये दो सवाल का भी जवाब देते हैं संक्षिप्त में, तो मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा रहेगा। Yes, ये वही सवाल है ना जो मैं यशोद ब्रह्मचारी जो आपने यशो सागर जी के लिए पूछे थे। हाँ, यशो सागर जी नहीं है उनका जवाब नागकेतु जी दे रहे। तो यशो सागर जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि ब्लैक सीड्स और रेड सीड्स ये अकुशल कर्म के लिए होते हैं, और येलो सीड्स जो होते हैं वो कुशल कर्म के लिए होते हैं। तो सवाल ये है कि ये फिजिकली बॉडी में प्रेजेंट होते ह्यूमन बॉडी में या कैसे कंसेप्चुअली है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सेड दैट ही विल नॉट बी बॉर्न अगेन, इन दैट केस हु इज ए व्हाइट रोब क्लैड अवलोकितेश्वर बुद्धा, एंड is it the incarnation of any other Buddha or something like that? Yes, तो धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यशो सागर जी ने जो प्रवचन दिए वो मैं सुन नहीं पाया, तो कौन से संदर्भ में उन्होंने वो बात कही थी वो कहना कठिन है, लेकिन जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ उसके मुताबिक इस दोनों सवाल का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि भवचक्र में जो 6 लोक है उसके बारे में बताते वक्त शायद यशो सागर जी ने इस जो काले बीज लाल बीज या जो पीले बीज है इनके बारे में कहा होगा। जो 6 लोक भवचक्र में बताए गए हैं तो उस अलग अलग लोगों में हर यानी वो हमारी एक प्रकार की मानसिक अवस्था है, और जैसे मंजू कुमार जी ने कहा भवचक्र क्या है इसके बारे में, तो वह एक प्रकार से प्रतीक के रूप में हम देखते हैं, प्रतिक्रियात्मक मन रिएक्टिव माइंड जिसे हम कहते हैं तो उसका वो प्रतीक है, और वो जो 6 लोग बताए गए हैं उस प्रकार की मानसिक अवस्था हमारी दिन में कई बार हो सकती है, यानी कभी हम देवलोक जैसी हमारी मानसिकता होती है तो कभी प्रेतलोक
जैसी होती है, कभी नरक लोक जैसी होती है, तो कभी मनुष्य लोक जैसे भी होती है। तो जो काले बीच के बारे में बताया गया है, वह एक प्रकार से नरक लोक के बारे में वहाँ बताया गया है, और उस छह लोकों में छह प्रकार के अलग अलग रंग के बुद्ध बताए गए। और जो काले बीच के बारे में जो बात की है, तो वो द्वेष से, अहंकार से, अज्ञान से संबंधित वो बताया गया है। और जो लाल बीज बताया गया है, वो प्रेत लोक से संबंधित बताया है, जो आसक्ति, तृष्णा, लालसा इससे संबंधित है। तो निश्चित ही ये जो काले और लाल बीज की बात कही गई है, फिर वो नरक लोक हो या प्रेत लोक हो, निश्चित ही यह एक अकुशल मानसिक अवस्था है। और जो पीले बीज के बारे में बताया गया है, वह मनुष्य लोक में बताया गया, जो हमारे विकास के साथ, हमारी आशा के साथ, हमारे परिवर्तन के साथ संबंधित है। तो जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या यह जो बीज फिजिकली हमारे बॉडी में है, अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि वाकई में वो बीज हमारे शरीर में होते या नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह जो भवचक्र है वह प्रतीकात्मक है, हमारे मन का एक प्रकार से दर्पण है किस प्रकार की हमारी मानसिक अवस्था है। तो ये जो तीनों प्रकार से या फिर छह लोग में छह अलग अलग प्रकार से, जैसे हरे बीज प्राणी लोक में भी बताया गया है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो बीज है वह एक प्रकार से हमारी मानसिकता दर्शाते, और उस दृष्टिकोण से हमें लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह हमारे शरीर में भीतर मौजूद हो, यह विभिन्न प्रकार की मानसिक अवस्था है कि जिससे हम उसका संबंध जोड़ सकते हैं, और उसको अगर हम समझते हैं तो उसे, जैसे अभय दाना जी ने कहा कि हम ध्यान साधना अगर हम करते हैं तो हमारी नकारात्मकता को हम सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना इस बीजों के बारे में पर्याप्त है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि बुद्ध ने कहा कि वे पुनः जन्म नहीं लेंगे, और जो अवलोकितेश्वर, या आपने कहा है कि जो सफेद वस्त्र पहने बुद्ध है, वैसे सफेद पहने वस्त्र पहने जो बुद्ध है वो वैरोचना होते हैं, लेकिन आपने कहा अवलोकितेश्वर है, तो जिसे हम करुणा का प्रतीक कहते हैं, तो जब हमारी समझ से या हमारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह हमारे लिए काल्पनिक है, यानी हमारा उसके साथ अनुभव नहीं है। कई प्रकार के सत्य बताए गए, या फिर मंजू कुमार जी ने जो चक्षु की बात की है कि कुछ चीजें हम हमारे जो मांसल चक्षु या फिजिकल आईज इससे हम नहीं देख सकते। अगर हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, धर्म चक्षु अगर निर्माण हुए, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वह जो लोकोत्तर है, ट्रांसेंडेंटल है, वह भी हम देख सकते हैं। तो खास तौर से जो महायान परंपरा है, उस परंपरा में कई प्रकार के बुद्ध और बोधिसत्व बताए गए हैं जो वास्तविक ऐतिहासिक नहीं है, जिस तरह से विवेक रत्न जी ने भी शुरुआत में जवाब देते कहा था कि उन लोगों का जो अस्तित्व है, लेकिन वह एक प्रकार से पारमार्थिक है, ट्रांसेंडेंटल है, लोकोत्तर है। जितना हम अधिक ध्यान की गहराई में जाएंगे, जितना अधिक हमें अंतर्दृष्टि या धार्मिक ऊंचाई हमें प्राप्त होती है, तो उनकी अनुभूति हम ध्यान की अवस्था में या हमारी जो अंतर्दृष्टि है उसमें हम कर सकते हैं। तो उस प्रकार से लोकोत्तर दृष्टिकोण से जो अवलोकितेश्वर है, जिसे हम कभी कभी पद्मपाणि
भी कहते हैं, जिसने कमल या पुंडरिक पकड़ा हुआ है, तो वह एक ऊंची धार्मिक वास्तविकता है जो हमारे जो सर्वसाधारण चक्षु है, या जिसे हम मासल चक्षु जिसे हम कहेंगे, उसे हम अनुभव नहीं कर सकते। तो ऐसे कई सारे बुद्ध और बोधिसत्व जिसे हम हमारी भाषा में काल्पनिक कहते हैं, लेकिन ऊंचे स्तर में धार्मिक दृष्टिकोण से वह सत्यता है। तो उस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं बुद्ध का जो करुणा का हृदय है, बुद्ध के करुणा का गुण है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए यह अवलोकितेश्वर बुद्ध का प्रतीक निर्माण हुआ है। वैसे ही प्रज्ञा का रूप है तो उसके लिए मंजुश्री बोधिसत्व कहे जाते हैं। इस प्रकार के बुद्ध में कई सारे गुण थे, उनमें विपुल कने महाकरुणा थी, विपुल वीर्य था, महाप्रज्ञा थी, महामैत्री थी, उपाय कौशल्य था। तो इस दृष्टिकोण से उनके अनेक अलग अलग गुणों से महायान संप्रदाय में बोधिसत्व बने हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व है वह ऐतिहासिक या वास्तविक नहीं है, वह ऊंची धम्म की सत्यता है जो गहरे चिंतन से, गहरे ध्यान से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल विवेक रत्न जी के लिए और आखिरी में एक सवाल मैत्रीवीर नागार्जुन के लिए। तो यहाँ पर रवि वावरे जी है। रवि वावरे जी, आपका विवेक रत्न जी के लिए जो सवाल था वो कृपया बता सकते हैं, और उसके बाद फिर मैत्रीवीर नागार्जुन के लिए एक सवाल रहेगा, उससे हम ये सवाल जवाब का सत्र जो है संपन्न करेंगे। यस रवि वावरे जी प्लीज। जय भीम। विवेक रत्न जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई जब हम अपने चेतना का विकास करते हैं और चेतना की जब शुद्धता एक परमोच्च स्थान पे प्राप्त करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि ये अरहंत बन गए हैं, और ये अरहंत बनने के बाद फिर हम बोलते हैं कि इनका पुनर्भव नहीं हो सकता है। ये अरहंत की जो अवस्था है, जो चेतना की एकदम शुद्ध अवस्था है, जो पुनर्भव नहीं हो सकता, इनका पुनर्मकान नहीं बन सकता, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो ये अरहंत बनने के बाद कहाँ जाते हैं? ये चेतना शुद्ध जब हो जाती है तो शुद्ध होने के बाद कौन से स्रोत में मिल जाती है? जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रीम एंट्रेंट, पहली जो स्टेज है वो स्ट्रीम एंट्रेंट है, तो ये स्ट्रीम एंट्रेंट क्या है? और ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम में अगर चेतना जाती है तो कौन से स्ट्रीम में जाती है, कहाँ रहती है, उसके बाद क्या करती है? क्योंकि कहीं कहीं हमारे वांग्मय में ऐसे भी सुनने को मिलता है या पढ़ने को आता है कि बोधिसत्व जो है कुछ अपने पर्पज के लिए और ये अर्थ पे अपना अपने इच्छा के अनुसार आते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करके जाते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं बाद में, अरहंत बनने के बाद, और क्या करते हैं, और क्या होता है एक्चुअली ये चेतना का वो लेवल में जाने के बाद? यही मैं जानना चाहता था। थैंक यू। ओके। थैंक यू। और निश्चित तौर पर ये जो सवाल है ये एक प्रकार से पारलौकिक स्तर का सवाल है, पारलौकिक जीवन को समझने की बात है। और आप यदि बुद्ध चरित्र की बात देखते हैं या कहते हैं, या आपने भी कहा है कि कहाँ जाती है, तो बुद्धिज्म का ध्येय है विमुक्ति प्राप्त करना, और विमुक्ति प्राप्त करने का मतलब जो है कि जब मुक्त ही हो गया है तो उसका कहाँ ठिकाना रहेगा? तो ठिकाना बताना मुश्किल है कि चेतना शुद्ध होने के बाद या विमुक्त होने के बाद, शुद्ध होने का मतलब है विमुक्त हो गया है,
कि जब चेतना पूरी तरह से या कॉन्शियसनेस पूरी तरह से शुद्ध हो गई है तो विमुक्त हो गई है, जब तक वो शुद्ध नहीं है तब तक वो बंधन में है। तो यह विमुक्त चेतना कहाँ संचार कर रही है, कहाँ है, किस तरह से है, ये कहना मुश्किल है और उसका ठिकाना ढूंढना भी मुश्किल है। और स्वयं बुद्ध कहते हैं कि यह मनुष्य के तर्क के या मनुष्य के जो परसेप्शन है उस परसेप्शन के परे की बात है, हम उसको परस्यू नहीं कर सकते कि ये चेतना कहाँ है, किस जगह से स्थित है। अब कोई व्यक्ति अरहत बन गया है, अरहत बन गया है, उसकी चेतना तो मुक्त हो गई है, लेकिन जो कुछ भी मुक्त चेतना है उस मुक्त चेतना से भी वह कार्य कर रहा है, लेकिन वो जो कार्य कर रहा है उसका कर्म विपाक नहीं है। इसलिए कर्म विपाक नहीं है कि वो पूरी तरह से मुक्त चेतना है। तो इस तरह से जो भी पारंपरिक अब इसका अनुभव तो नहीं है, तो ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ भी ग्रंथों में वर्णित है, उस ग्रंथों के वर्णित के अनुसार ये कुछ बातें हैं कि बुद्ध ने स्वयं बताया कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसका बयान नहीं किया जा सकता कि वो जो शुद्ध हुई चेतना है, अरहत बनने के बाद की जो चेतना है, अरहत के देह त्याग की जो चेतना है, वो कहाँ है, वो कौन सी है, किस जगह से है और किस जगह वो जाती है, किस जगह से आती है, ये कहना ही मुश्किल है। उसके बारे में कुछ शब्दों में उसको बांधना भी मुश्किल है, वो अनुभव से परे की बात है। तो इसलिए ये कहना या उसके बारे में कुछ कमेंट करना, क्योंकि उसके बारे में जो ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि इट इज बियॉन्ड द परसेप्शन, इट इज बियॉन्ड द हमारे जो समझ की है, हमारे तर्क की है, हमारे लैंग्वेज और शब्दावली के परे की बात है। इट्स ओनली एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के बाद की ही बात हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कहना मेरे लिए मुश्किल है और मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो चेतना कहाँ जाती है और कहाँ से आती है, क्योंकि वो मुक्त है। दूसरी बात आपने कही कि स्रोत क्या है, प्रवाह क्या है। तो जैसे स्रोतापन्न होता है, स्रोतापन्न होता है, स्रोतापन्न होता है, इसका मतलब इतना ही है जो मेरी समझ है, मेरे समझ के अनुसार ये है कि बुद्ध शिक्षा के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार हमारे 10 बंधन है, और 10 जब तक 10 बंधन है, उस 10 बंधन में जब तक हम अटके हुए हैं या उस 10 बंधन के साथ जकड़े हुए हैं, तो जब तक उस 10 बंधन से जकड़े हुए हैं तब तक हमारी चेतना, हमारा विज्ञान, कॉन्शियसनेस, मन, चित्त, जो कुछ भी आप उसको नाम दे, तरह तरह से उसके नाम है और तरह तरह से उसके व्याख्याएं भी है, चित्त क्या है, मन क्या है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक इन 10 बंधनों में वह बंधा हुआ है, तो ये जो आवागमन की बात है, ये आवागमन की बात जारी है जो हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रतीत समुत्पाद के तहत। जब तक ये बंधन बंधे हुए हैं, तब तक हमारे जीवन की कोई निश्चित ऐसी दिशा नहीं है। जैसा हवा का झोंका आता है, इधर से गया उधर गया, और हवा के झोंके में जो पत्तियां उड़ते जाती है, पत्ती उड़ी और जहां हवा थोड़ी शांत हो गई तो पत्ता गिर गए, उसी तरह से हमारा जीवन का चक्र चलते रहता है इस 10 बंधनों के तहत। लेकिन यदि आपके शुरू के 3 बंधन टूट जाए और वो एक साथ ही टूटते हैं,
सोतापन्न अवस्था का वही अर्थ है कि हमारे तीन बंधन एक साथ टूटते हैं, सत्काय दिट्ठि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श। ये तीन बंधन यदि एक साथ टूट जाए तो फिर हमारी जो चेतना कहिए या चित्त कहिए उसकी एक निश्चित ऐसी दिशा या निश्चित ऐसा डायरेक्शन हो जाता है, जिस डायरेक्शन को स्रोत कहा गया है कि वो डायरेक्शन अभी निश्चित हो गई है, डिफाइन हो गई है, और उस डायरेक्शन के बाद वो अभी डायरेक्शन बदलने वाली नहीं है। इसलिए पारंपरिक ग्रंथों में यही कहा गया है कि एक बार आपके 10 बंधन में से पहले 3 बंधन टूट गए तो बचे हुए 7 बंधन जो है आप आने वाले 7 जन्मों में तोड़कर अर्हत होने ही वाले हैं। वो ऑटोमेटिक नहीं होंगे, लेकिन वो कॉन्शियसनेस का, वो आपके चित्त का फोर्स ही ऐसा है कि उस फोर्स के आधार पर आपको वैसा ही आचरण करना भाग पड़ता है। जैसा अभी हम फोर्स के आधार पर कि मेरा जो फोर्स है वो लोभ का है, यदि लोभ का फोर्स के आधार पर मैं कितना भी चाहूं तू भी मैं कंजूसी से, ये करने से, चीजों को बटोरने से अपने आप को नहीं रोक सकता, ये मेरा लोभ का फोर्स है। और लोभ अपने आप में नहीं है, वो चित्त से लिपटा हुआ है। इसलिए मेरा चित्त यदि लोभी है तो उस लोभी चित्त के फोर्स के तहत मैं वही बातें करते जाता हूं जो मुझे करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मेरा मन मुझे बाध्य करता है और मेरी शरीर की कृति वैसी होती ही है। तो इसी बात को यदि हम समझते हैं तो उसी तरह से यदि हमारे 3 बंधन टूटते हैं तो हमारा चित्त का फोर्स विमुक्ति की दिशा से निश्चित हो गया है और उस फोर्स से ही हम अपने बंधन को तोड़ने में कामयाब होते हैं। इसलिए बाद के जो प्रयास है वह प्रयास आपको कम करने पड़ते हैं। पहले 3 बंधन तोड़ने में ही सारी मशक्कत है, सारी तकलीफ है, सारे प्रयास है और जितनी शक्ति लगानी है इन 3 बंधनों को तोड़ने के लिए ही। इसलिए हमारे पूज्य गुरु उर्गेन संगरक्षित, जिनका आज स्मृति दिन है, उन्होंने पूरे संघ के सामने या जो भी संघ में धर्मचारी धर्मचारिणियां बने हैं उन संघ सदस्यों के सामने एकमेव और एकमेव ध्येय रखा है कि इसी जीवन में तुम्हें मरने के पहले श्वेतापन्न अवस्था प्राप्त करना है। बुद्धत्व की दूर की बात है, बुद्धत्व छोड़ दो, बुद्धत्व अपने आप आ जाएगा यदि आप इसी जन्म में श्वेतापन्न अवस्था प्राप्ति की बात करते हो और उसी के लिए प्रयास करते हो। तो ये महत्वपूर्ण, उसको स्रोत कहा गया है, वो ऐसा कोई प्रवाह नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल नहीं है जहां जाकर हम डुबकी लगाए और उस करंट में हम बह जाए, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे चित्त का फोर्स है और उस चित्त को उस फोर्स से बनाने के लिए, वैसे फोर्स को बनाने के लिए हमें ढेर सारी ध्यान साधना करनी है, ढेर सारा शील पालन करना है और शील पालन और ध्यान साधना से ही इन बंधनों को तोड़ सकते हैं। जैसा मैंने वो जटा सूत्र की बात कही, अंत जटा बहि जटा जटाय जट तन पजा। तो ये जो बातें हैं, सो जटा को तोड़ने की बात है, वो आपको बहुत प्रयास। और बुद्ध ने क्या उत्तर दिया, शीले प्रतिष्ठाय नरो सपई, शील पर प्रतिष्ठित होकर पुरुष यदि ध्यान भावना करता है तो प्रज्ञा के आधार पर बंधनों को तोड़ सकता है। और यही बात है कि आप यदि ध्यान साधना में कुछ प्रगत होते हो, आपका चित्त कुछ मात्रा में शुद्ध हो जाता है तो वह शुद्ध मात्रा आपको धर्म चक्षु खोलती है।
अनित्यता का दर्शन कराती है और वो आपको तीन बंधन तोड़ने में मदद करती है। तो यह है श्रोतापन्न अवस्था की बात और यह होता है प्रवाह, चित्त का एक निश्चित डायरेक्शन, चित्त का एक निश्चित फोर्स, जिस फोर्स से आप बचा हुआ जो जीवन है, बचे हुए जो जन्म है, वो बुद्धत्व तक ही आपको लेके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक रत्न जी, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे शब्दों में आपने इसका जवाब दिया है। असल में यह सवाल बहुत कठिन थे रवि वावरे जी के, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रभावी ढंग से उसके जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं मैत्रीवीर नागार्जुन से विनती करता हूँ, खासकर एक सवाल जो था शशि जांभूरकर जी ने पूछा था कि बाबा साहब की क्या दृष्टि थी प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में। मुझे ऐसा लगता है उनके इस मत के साथ हम यह सवाल जवाब का जो सत्र है इसको समाप्त करेंगे और उसके बाद हम धम्मपालन गाथा लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद इन रिलेशन टू इवोल्यूशन एंड लिबरेशन, कैन बोथ बी कनेक्टेड और सेपरेट? और आगे लिखते हैं वो, डज बाबा साहेब हैज टू से एनीथिंग अबाउट दिस? पहली बात है इवोल्यूशन और लिबरेशन, दूसरा उत्क्रांति मतलब होता है इवोल्यूशन। अब ये आज हम ऑनलाइन ये क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे और आप सब लोग सुन पा रहे हो, ये एक हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक अभी का उच्चांक समझ सकते हैं, मटेरियलिस्टिक उच्चांक, भौतिक उच्चांक, कि जहां इंसान ने सोचा कि कोई स्क्रीन हो सकता है, ये स्क्रीन है, ब्लैंक है, लेकिन कुछ भी मैं करूं तो ये एडवर्टाइज आ जाएगी, अगर मैं इसे खोलूं तो सारी दुनिया इसमें आ जाएगी। एक इवोल्यूशन में ये एक उच्चांक है, ये एक बात है। दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि केवल मटेरियल ही इवॉल्व होते हैं क्या? तो बाबा साहब की जो बुद्धि थी वो आपको पता होगा, ही वॉज वेरी ब्राइट एंड शार्प सोचने के बारे में। तो इवोल्यूशन में एक इंस्टिंक्ट होता है, यानी प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, और दूसरी बात है इंफॉर्मेशन। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अभी जो आप सभी स्पीकर जो कह रहे थे कि मेरे में बुरे विचार क्यों आते हैं, मेरे में तृष्णा क्यों है, मेरे में काम क्यों है, मुझ में गुस्सा क्यों है, डिफेंस क्यों है, सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट क्यों है, यह इंस्टिंक्ट्स, ये सभी एनिमल्स में होते हैं, हम में भी है और हम भी एनिमल है, हम भी एनिमल बीइंग है, फ्लेश है, बोन है, हमारा, हम मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा बीज होता है, माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो उस इंस्टिंक्ट का ही हम रिजल्ट है और भावचक्र में यही बार बार इसकी पुनरावृत्ति होते रहती है। लेकिन फिर और कौन सा इवोल्यूशन बाकी है, भंते के शब्दों में अगर कहा जाए तो उसे लोअर एंड हायर इवोल्यूशन के शब्दों में वो रखते हैं। तो फिर लोअर इवोल्यूशन क्या है कि जो इंस्टिंक्ट बेस है, मुझे लगता है मैं धम्माचारी हूं लेकिन मुझ में वो सारे इंस्टिंक्ट है जो एनिमल में होते हैं, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी डिसअपॉइंट होता हूँ, मैं भी अपसेट होता हूँ, लोभ मोह द्वेष जो है, काम छंद से धम्म छंद की ओर जाना, ये सारी जो प्रक्रियाओं का मैं भी एक हिस्सा हूं। तो हम उससे कुछ अलग नहीं, हम भी एक एनिमल बीइंग है, लेकिन हम एनिमल बीइंग यानी जानवरों जैसा बर्ताव न करना रोकते कहां है? वो हम तभी रोकते हैं जब हमारी जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव, आत्मचिंतन या स्मृति या अपने सजगता की जहां हमें कोशिश होती है, जहां हम वो कोशिश करना शुरू करते हैं,
ध्यान क्यों करते हैं, शील क्यों करते हैं, अभी विवेक रत्न जी ने बताया कि वो शील के प्रतिष्ठान पे क्यों बैठना है, मुझे वैसा ही बर्ताव क्यों करना है, कुत्ते ने मुझे काटा तो मुझे उसको वापस नहीं काटना है, ये मुझे कहाँ से स्मृति आती है, कहाँ से मुझे ये अवेयरनेस आता है। उस अवेयरनेस से हमारी एक उच्च या एक हायर इवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये इवोल्यूशन का और प्रतित्य समुत्पाद का संबंध है, तो हम भी वो प्रतित्य समुत्पाद की प्रक्रिया में ही यहां तक आए हैं। पहले नोकिया का बॉक्स फोन था, पहले आप डायल करते थे, वो टेलीफोन था। अब उस उत्क्रांति के आधार पर आज आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये जूम फॉर्म किया, वो हम रडार करते हैं, हम एटम बम बनाते हैं, हम कई ऐसी कल्पनाओं से, संकल्पनाओं से, कंसेप्चुअल थिंकिंग से हम अपने उत्क्रांति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव ही है। अभी विवेक रत्न जी ने जवाब दिया, चक्षु के बारे में आपने सुना, ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इंसाइट में परिवर्तित नहीं हुई। जब वो इंसाइट में परिवर्तित होती है, जब वो चक्षु, बुद्ध के चक्षुओं का आपको क्या काम है? बुद्ध ने तो मार्गदर्शन किया, या बाबा साहब की प्रज्ञा का आपको क्या काम है? उनके मार्गदर्शन का लाभ होगा, लेकिन जब तक वो प्रज्ञा मेरी नहीं होती, जब तक मैं उससे हासिल नहीं करता, जब बाबा साहब ने जो बोला है वो मैं समझता नहीं हूं कि उनको कहना क्या है, वो जब तक मेरे अंदर उतरता नहीं, मेरा अपना अनुभव जब तक वो होता नहीं है, तब वो बाबा साहब तक ही सीमित रहता है। उन्होंने तो अपना कल्याण या उद्धार कर लिया ना, मेरा क्या? बुद्ध ने तो मुक्ति पा ली है, या स्ट्रीम एंट्रन जो भी अर्हत है वो हो चुके हैं, तो उससे ठीक है, वो मेरे इंस्पिरेशन हो सकते, मेरे मार्गदर्शन हो सकते, उनके अनुभवों का मुझे लाभ हो सकता है, लेकिन मुझे भी वो हासिल करना है। तो ये मात्र कल्पना नहीं रहती। तो ये प्रतित्य समुत्पाद हमें बताता है कि प्रतित्य समुत्पाद केवल संकल्पना नहीं, आइडिया नहीं, जैसे गॉड की है, हेवन की है, हेल की है, इसका अनुभव हमें नहीं है, या लोकोत्तर। अभी कुछ सवाल भी आए, या विवेक रत्न जी ने बोला भी कि मुझे नहीं जब पता वो जगह का है, जब तक उसका मुझे अनुभव ना हो, ठीक है। तो प्रतित्य समुत्पाद ही एक ऐसी सीढ़ी है, या ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें एक हायर इवोल्यूशन की ओर ले जाता है, हमें सजग करता है कि चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि चीजें ऐसी है। मैं इसलिए आज विधायक हूं क्योंकि मैंने ये प्रवचनों की मालिका सुनी, या मैंने इन सब स्पीकरों को सुना, इनको देखकर, इन्हें सुनकर, इनके शब्दों को मेरे कान पर जब वो आते हैं, इसका मेरे मन के ऊपर असर होता है। ये ऑर्गेनिक है, ये मात्र कल्पनाएं नहीं है। तो यह इवोल्यूशन का और प्रतित्य समुत्पाद का संबंध है कि यह मात्र संकल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तक हम उसे हासिल नहीं करते, हम उस स्टेज तक जाते नहीं। श्रोतापन्न होना एक अवस्था है, वो केवल अलजेब्रिक, जियोमेट्रिक, एस्ट्रोनॉमिक फॉर्मूला नहीं, वो आपको वहां पहुंचना है, आपको हिमालय की चोटी पर जाकर गांव को देखना है, केवल वो चोटी को इमेजिन नहीं करते रहना, आपको चढ़ना है। ये प्रतित्य समुत्पाद की सीढ़ियां है, ये हमारा हायर इवोल्यूशन है, और ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये करना होता है, इसके ऊपर कार्य करना होता है, इसके ऊपर एक्ट करना होता है। और मुझे ऐसे लगता है इवोल्यूशन की थ्योरी में हम एनिमल बीइंग से ह्यूमन एनिमल तो बन गए, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो कृतियां है, उस कृतियों के बारे में जब तक हम सजग नहीं होते, तब तक वो कृतिशील में परिवर्तित नहीं होती। वो स्मृति ही आपके एक्शन को प्रिसेप्ट में कन्वर्ट करती है कि मैंने क्या करना है। मुझे लगता है मैं धम्मचारी हूं, लेकिन हो सकता है मेरी कृति वैसी ना हो, क्योंकि मैं अपने बारे में उतना सजग नहीं हूं, या एक्स वाई जेड जो भी है, भिक्षु है, भिक्षुनी है, स्त्री है, पुरुष है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो बाबा साहब क्या कहते हैं, बुद्ध का वो रिवोल्यूशन नहीं है। रिवोल्यूशन मतलब अचानक कोई अवतार आ जाना या रिवील हो जाना,
मुझे एक नया प्रकाश दिख जाना, ऐसा नहीं है। बाबा साहब कहते हैं द बुद्धाज एनलाइटनमेंट इज अ रियलाइजेशन नॉट रिवीलेशन। मोसेस को जो लाइट दिखा था, पैगंबर को जो आकाशवाणी आई थी, या विष्णु का जो अवतार हुआ था, ये रिवीलेशन है। सो बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन रिवोल्यूशनरी थियरीज। वो रिवीलेशन नहीं है, वो रियलाइजेशन है, वो खोज है। बुद्ध ने वो खोजा है, बुद्ध ने उसे प्राप्त किया है, जो हम भी कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है इस दृष्टिकोण से, बाबा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी को मुक्त किया, बताया कि क्या क्या हुआ। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, अभी कोरोना आया तो हम सब लोग केयर कर रहे हैं कि मैं कैसे जिंदा रहूं, कोरोना भी सोच रहा है मैं कैसे जिंदा रहूं। तो यह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है इवोल्यूशन में। तो डार्विन ने वो इवोल्यूशन के थ्योरी को मुक्त किया। हम देखते हैं कोपरनिकस ने एस्ट्रोनॉमी को मुक्त किया। पहले हम समझते कि अर्थ सेंट्रिक गैलेक्सी है, अभी ये सन सेंट्रिक गैलेक्सी है। और ये गैलीलियो ने भी बताया था, ब्रूनो ने भी बताया था, कोपरनिकस ने भी यह खोजा कि पृथ्वी चंक्रमण करती है, सूरज नहीं करता है। हमें लगता है कि सूरज हमारे इर्द गिर्द घूमता है, तो वो कोपरनिकन रिवोल्यूशन है जिससे एस्ट्रोनॉमी मुक्त हो गई। न्यूटन ने बता दिया कि भाई कितनी भी हल्की वस्तु हो या भारी हो, नीचे ही गिरेगी, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। तो उन्होंने वो सिद्धांत खोजा। वहां से आइंस्टाइन ने बताया कि जो लार्जर बॉडी जो है वो स्मॉलर बॉडी को खींच लेती है, तो उससे एस्ट्रोनॉमी या फिजिक्स मुक्त हुआ। लेकिन भाई और बहनों, थियोलॉजी अभी भी मुक्त नहीं हुई है, धर्मवाद अभी भी मुक्त नहीं हुआ है, ईश्वर मीमांसा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। एक दैविक शक्तियां कोई चलाती है, वो डर जो है, वो डर का अभी भी किसी ने भी सॉल्यूशन नहीं निकाला। और वो सॉल्यूशन निकाला, यानी निकाला है सबसे पहले तथागत बुद्ध ने। उन्होंने बताया कि चीजें उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार हमने सोची है, चीजें प्रतित्य समुत्पाद है, जो मैंने पहले ही कहा, वो कार्य कारण भाव से ही चलती है, वहां से आपकी ईश्वर मीमांसा मुक्त होना शुरू होता है। नहीं तो सभी धर्म संस्थापकों ने, सभी धर्मों ने यही माना कि चीजें क्रिएटेड है, किसी ने उसे निर्माण किया है। बुद्ध के पास एक भिक्षु आते और कहते कि विश्व का निर्माण किसने किया, तो बुद्ध कहते कि ये गलत सवाल है, मुझे ये पूछो कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ। इट्स नॉट हु क्रिएटेड, हाउ क्रिएटेड। मैं ब्रह्मचारी कैसे बना, किसने ने मुझे ब्रह्मचारी नहीं बनाया, उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रोसेस से हमें जाना है। वो प्रोसेस ही प्रतित्य समुत्पाद है, जो एक अवस्था के आधार पर दूसरी अवस्था निर्माण होती है। वो हमेशा ही ऊंची निर्माण होगी जरूरी नहीं है, वो नीचे भी आ सकती है, वो भी कार्य कारण भाव है। क्या आप करते हो, कहां आप हो, और वहां से आपके प्रयास कैसे है। अगर आप अकुशल करोगे तो नीचे आओगे, कुशल करोगे तो उत्क्रांति की ओर जाओगे। ये कार्य कारण भाव है। चार्य आर्य सत्य भी कार्य कारण भाव है। आर्य अष्टांगिक मार्ग भी प्रतित्य समुत्पाद है। हर चीज प्रतित्य समुत्पाद है। ये पहली बार धर्म मीमांसा और ईश्वर मीमांसा, यानी थियोलॉजी में एक रिवोल्यूशन था जो बुद्ध ने किया। ये बाबा साहब का पॉइंट है प्रतित्य समुत्पाद के ऊपर। वो कहते हैं कि यह मानना कि सभी चीजें अनित्य है सद्धम्म है। यह मानना कि चीजों का स्वभाव संयुक्त है, संयुक्त मतलब सम, जो मैंने पहले ही बताया, आपस में मिलने से ही कोई एक नई चीज निर्माण होती है। मैं अपने बॉडी को क्रॉस लेग करता हूं, या चेयर पे बैठता हूं, आंख बंद करता हूं, कुछ कंडीशन निर्माण करता हूं, तभी मेरी एक नई मनोवस्था निर्माण होती है। यह संयुक्त है, यह मिश्रित है, यह बाबा साहब ने बोला। वह यह भी कहते हैं कि तत्वों का पदार्थ प्रतित्य समुत्पाद है, अनित्य है। यानी उनका रिवोल्यूशन जो है बुद्ध का, बाबा साहब का, ये बुद्ध के माइंड से अलग नहीं है। वो कहते जीवित प्राणी की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। वही जीवित प्राणी की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। अगर मैं जीवित हूं तो कल जैसे था मैं आज वैसे नहीं, और जो कल मैंने किया
उसी का ही परिणाम है मेरे आज के जो फल है, यह कॉज एंड इफेक्ट है। यह बाबा साहब का प्रतीत समुत्पाद के ऊपर दृष्टिकोण है। लास्ट पॉइंट यही है कि सद्धम्म इस भाग में बाबा साहब ने कहा है शून्य की कोई लंबाई नहीं है और शून्य की कोई चौड़ाई नहीं है। यह आर्यभट्ट का और ब्रह्मगुप्त का शून्य नहीं है, वो जीरो की बात नहीं कर रहा, वो अलजेब्रिक जीरो की बात नहीं कर रहा, नागार्जुन के शून्य की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि उस शून्य की कोई लंबाई नहीं है और कोई चौड़ाई नहीं है, और शून्यता और अनात्म के सिद्धांत के कारण ही इवोल्यूशन पॉसिबल है। नहीं तो अगर मैं फिक्स हूं, मैं जहां था वही हूं, तो मेरा इवोल्यूशन नहीं होगा। कोई स्त्री है तो वो स्त्री ही रहेगी, पुरुष है तो पुरुष भाव में रहेगा, वो दलित है तो दलित भाव में रहेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण भाव में रहेगा, व्हाइट है तो व्हाइट भाव में रहेगा, ब्लैक है तो ब्लैक भाव में रहेगा। वो फिक्स हो जाएगा, इनबॉक्स हो जाएगा। बाबा साहब कहते चीजें वैसी नहीं है, वो उत्क्रांतित हो रही है। जो भीम क्लास के बाहर बैठता था उसने भारत का संविधान लिखा, ये उत्क्रांति है, ये उत्क्रांति है, ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। उस प्रक्रिया को में सम्मिलित होना, उस प्रोसेस में हम सम्मिलित होना और वैसे कंडीशन क्रिएट करना जहां मैं एक उच्च मानसिक अवस्था में जा सकूं। ये प्रतीत समुत्पाद का टेक है बाबा साहब का। तो वो कहते हैं कि शून्यता के कारण ही सब कुछ संभव है, अनात्म के कारण ही सब कुछ संभव है। नहीं तो मैं हिंदू करके पैदा हुआ और हिंदू करके मरूंगा नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होता। लेकिन वो सही हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि चीजें उत्क्रांतित होती है। हम जैसे थे वैसे आज नहीं है, जो कास्ट बेस्ड मेंटालिटी में थे वैसे हम नहीं है। अभी भी और लोगों को मुक्त करना है और लोगों तक ये बातें जानी है। यह सबसे गंभीर और गहरा चिंतन बाबा साहब का प्रतीत समुत्पाद के ऊपर है। इसलिए वो मैं मेरा नया जन्म हुआ जो अभय दाना जी ने बोला वो कह पाए, वो उत्क्रांतित स्टेटमेंट है। लास्टली सभी सवालों को मैं सुन रहा था, जवाबों को भी सुन रहा था। मैं एक सभी मेरे भाई बहनों के लिए सुझाव देना चाहता हूं कि विवेक रत्न जी सही कह रहे थे कि ऐसी कोई स्पेस नहीं है, वो अरहत पाप प्राप्त होता है तो वो कौन से मजले पे रहता है, वो टॉप फ्लोर पे रहता है या ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, फिर वो आसमान में रहता है या पृथ्वी के नीचे रहता है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए भाई और बहनों, सत्य को समझने के केवल एक ही आयाम नहीं होते हैं और उसको हमने लिटररी नहीं लेना है। लिटररी उसको शब्दशाह नहीं लेना है। बुद्धत्व ऐसा कोई जगह नहीं है और बुद्धत्व ऐसी कोई स्पेस नहीं है। अर्हत लोग जहां रहते हैं वैसी कोई जगह नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में या विश्व में या कॉस्मोस में। देर इज नो स्पेस, क्योंकि स्पेस डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। अगर मेरी रूम यहां खत्म होती है तो दूसरी रूम शुरू होती है, लेकिन वो एक ही स्पेस है और वो इनफाइनाइट है। हम उसको ऐसा बॉक्सिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको शाब्दिक नहीं लेना है। हम उसको साहित्यिक माध्यम से समझ सकते हैं। बुद्ध ने वही किया, उन्होंने मापन दिए, उन्होंने क्या कहते हैं मेटाफोर को, क्या कहते हैं उपमाएं दी है। वन्न गंध युनोपेतम पुप्फम मिलायति यथाई वज्ञे कायो तथा याति विनाश भाव। पुष्प का जैसा स्वभाव है वैसे ही मेरे काया का स्वभाव है। तो बुद्ध ने उपमाएं दी है और उन्होंने पोइटिक जो मापन है वो समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो इसलिए यथाबुद्ध ज्ञान दर्शन है या फिर तन्नानं खाया मज्जगा है, ये जो अवस्था है डोर डेथलेसनेस का जो स्पेस है, ये केवल शब्द है जो बुद्ध अपने अवस्था को समझाने के लिए एक गहराई से एक लैंग्वेज का इस्तेमाल वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हमने लिटररी या शब्दशाह नहीं लेना है। बुद्धत्व एक अवस्था है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, अंगुलीमाल भी हो सकते हैं, पटाचारा भी हो सकती है, सुनीत भी हो सकता है,
बीजेपी वाले भी हो सकते हैं, कांग्रेस वाले भी हो सकते हैं, आरपीआई वाले भी हो सकते हैं, वो अवस्था है, उनकी कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल स्पेस नहीं है, वो इनफाइनाइट है। और जब आप उन बंधनों से मुक्त हो जाते हो तब एक ऐसे असीम इनफाइनाइट विशाल, बुद्ध केवल आकाश या समुन्दर की बात कर सकते हैं, आकाश जैसा विशाल, समुन्दर जैसा गहरा, ये मात्र मापन हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें ज्ञात है। तो वैसे मन की अवस्था प्राप्त होती है, वहीं पे अरहत लोग बोधिसत्व चित्त या बोधिचित्त या संबोधि प्राप्त स्त्री या पुरुष या जो भी जेंडर से वो है, वो उस अवस्था में रहते हैं। वो एक अवस्था है, वो ऐसी स्पेस नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, वो केवल मात्र उपमा है हमें इस्तेमाल करने के लिए। मार की सेना आई थी तो वहां कोई घोड़े और हाथी नहीं आए थे बोधि वृक्ष के नीचे। उनके मन के अवस्था में जो भी चीजें बुद्ध को रोक रही थी, उस चीजों को बुद्ध ने तोड़ा और उनको हराया। वहां कोई सेना नहीं आई थी, वहां कोई राजा नहीं आया था, लेकिन बुद्ध को वो मार सेना यह शब्द इस्तेमाल करना पड़ा। मार यह शब्द इस्तेमाल करना जो सारे पुलिंग फैक्टर्स है जो हमें पीछे खींचते हैं, तो यह शब्दशाह नहीं लेना है। वैसे ही किसी भी स्पेस को, किसी भी लोक को, किसी भी चक्र को हमें शब्दशाह नहीं लेना है, हमें उसके कंडीशनलिटी को समझना है, उसके उत्पाद को समझना है। अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसे होगा, फिर मैं ऐसे अवस्था में रहूंगा, देन वी कैन हैव अ पीसफुल डेथ, पीसफुल लाइफ, एंड इफ देर इज रिबर्थ वी कैन हैव पीसफुल रिबर्थ, इफ देर इज। बट एज अ बुद्धिस्ट वी बिलीव इन रिबर्थ, के एक नई अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, वो भी प्रतित्य समुत्पाद के ऊपर ही आधारित है। तो इसलिए हमारे आज की कार्य कारण भाव महत्वपूर्ण है, आज का अवेयरनेस हमारा जरूरी है। हम हमेशा ही वो मेटाफिजिकल, ट्रांसेंडेंटल, लोकोत्तर में क्या है उसके ढूंढने के पीछे पढ़ने के बजाय, आज हम जिस अवस्था में, वहां से मैं आगे कैसे जाऊं, यही मेरा धम्म है, यही मेरा सद्धम्म है। ये बाबा साहब का इवोल्यूशनरी और रिवोल्यूशनरी प्रतित्य समुत्पाद के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू वेरी मच रुताइश, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच मैत्रवीर नागार्जुन और हमारे सभी स्पीकर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, धन्यवाद के तौर पे, आभार के तौर पे, पुण्यानुमोदन के तौर पे, लेकिन मैं थोड़ा सा शब्दों की कमी महसूस कर रहा हूँ और उससे भी ज़्यादा समय की कमी महसूस कर रहा हूँ माफ़ कीजिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सभी का, नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर की ओर से जो आयोजक है इस व्याख्यान माला का, प्रतित्य समुद का, उस समुत्पाद के ऊपर। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे, और हमारे श्रोताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। और यह जो कारवां है, मैत्रीवीर जी के शब्दों में मैं कहूँगा बाबा साहब का कारवां है, उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो भंते उर्गेन सगरक्षित जी ने जो संग दिया है, उसके माध्यम से, उस दृष्टि से और बाबा साहब की दृष्टि से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं प्रिया जी से विनती करता हूँ, कृपया वह धम्मपालन गाथा लेकर इस कार्यक्रम का समापन करें।